नोट्स नाउ। सो जैसा कि इस लास्ट सेशन में हमने कुछ सेक्शन स्टार्ट किए थे जो इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स रेट्स इन केस ऑफ कंपनीज। ओके, सो ऐसा आपको बताया गया था कि जो कंपनी के अंदर जो टैक्स रेट होता है वो बाय डिफॉल्ट वाला कौन सा रेट है। बाय डिफॉल्ट रेट कौन सा है? 30% बाय डिफॉल्ट रेट है, ठीक है, इन केस ऑफ कंपनीज। बट कुछ केसेस के अंदर ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम भी उन्होंने बताया हुआ है। ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम के अंदर दो सेक्शन है जो आपको याद रखने हैं। एक है कौन सा, सेक्शन 115BA, और दूसरा कौन सा वाला है, सेक्शन 115BB। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेक्शन 115BA एंड BAB, ये दोनों आज हमें डिस्कस करने हैं। क्या टैक्स रेट है? BA के अंदर मैंने आपको बताया था कितना परसेंट टैक्स रेट लगता है, 22% बेसिक रेट है। ये आपका कौन सा रेट है? बेसिक। इसमें BAB में कितना रेट है? 15%। प्लस इसके ऊपर सरचार्ज है, फ्लैट सरचार्ज कितना लगता है? 10%। यहाँ पे भी कितना लगता है? 10। सरचार्ज ऑलवेज किसके ऊपर लगता है? आप सब लोगों को पता होगा सरचार्ज ऑलवेज किसके ऊपर लगेगा, टैक्स के ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर नहीं लगता। तो सरचार्ज ऑन किस पे लगेगा? टैक्स। उसके बाद फिर हमें 4% का ऐड करना है सेस। उसके बाद जो रेट आता है उसको बोला जाता है कौन सा रेट? इफेक्टिव टैक्स रेट। ओके, सो इफेक्टिव टैक्स रेट आपने शायद बताया था कुछ 25 पॉइंट कितना था, यहाँ पे 17% एंड यहाँ पे कुछ था 17.16%। ठीक है, वॉइस और वीडियो नहीं दिख रहा है आप लोगों को? सब लोग कंफर्म करिए एक बार। फोन ना हैंग हो गया हो। वॉइस लेट आ रहा है। ऑल क्लियर? एक मिनट, बस से वापस से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? कोई लैग वगैरह आता है तो आप मुझे बोलिएगा।
आई होप अभी क्लियर होगा। अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैट बॉक्स में इमीडिएटली लिखिएगा। नाउ हम बात कर रहे थे कंपनीज का। सो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम आज हमें समझना है। बाय डिफॉल्ट रेट तो मैंने आपको कितना बताया हुआ, बाय डिफॉल्ट रेट कितना लगता है 30%। फिर हमने वो DTAA वाला बात किया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 30% तो किन लोगों के लिए, कौन से पर्सन के लिए, डोमेस्टिक पर्सन के लिए। तो वो लास्ट लेक्चर की फाइल आप लोग देख लीजिएगा। फॉरेन कंपनी में जो टैक्स रेट रहता है वो कितना परसेंट रहता है, कुछ केसेस में 50% तक जाता है, कुछ केसेस में कितना आ जाता है 40% जाता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, आगे जाके काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन 115BA। तो सेक्शन 115BA में कितना परसेंट टैक्स रेट है, 22%। और 115BAB में कितना है, तो 15% टैक्स रेट है। नाउ BAA ये वाला जो था सेक्शन 115BAA था। नाउ अभी बात करते हैं सेक्शन 115BAA। ओके, सो ध्यान से समझना। अभी ये एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम है। ऑल्टरनेटिव सिस्टम मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, से फॉर द एग्जांपल कौन सा कंपनी है, एक्स लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा सब। वो लोग कितना परसेंट टैक्स पे कर रहे हैं, कितना परसेंट टैक्स पे कर रहे हैं, 30% टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब उनको 30% टैक्स रेट लगता है, जो भी इनकम उनका होगा उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30%। अभी अगर उनको सेक्शन 115BAA में जाना है तो उनके लिए कितना टैक्स गवर्नमेंट ने कर दिया, 22% टैक्स रेट कर दिया। बट 30 से 22 डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशन है जो लास्ट लेक्चर में क्या बताई थी। कंडीशन ये है कि आप एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, सेक्शन 10AA का आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता, काफी सारी एटसेट्रा कंडीशन है, वो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब आपकी इनकम क्या होगी, ज्यादा आएगी ना। डिडक्शन नहीं क्लेम करोगे तो इनकम ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा आएगी तो टैक्स रेट उन्होंने कितना कर दिया, 22%। क्लियर, ये तो आपको पहले से पता था। बट दोस्तों कंपनी के अंदर एक और भी टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कौन सा, मैट सिस्टम। ये मैट का पूरा नाम क्या है, मैट का पूरा नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। नाउ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, इंटर में तो आता ही नहीं था। तो ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हुआ है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, मिनिमम इतना तो टैक्स क्या करना है, पे करना है। तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपकी नॉर्मल इनकम है, वो नॉर्मल इनकम में आ क्या रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉस। मतलब ये आपकी कौन सी लॉस है, कौन सा लॉस है, ये टैक्सेबल लॉस। तो अगर टैक्सेबल लॉस होगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, 0 rupees होगी। अग्री करते हो ना सब लोग, टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या होगी, 0। बट लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स में अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए वो लोग अपनी इनकम को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करके एक लेवल तक ला देते हैं ताकि टैक्स आपका कम आए, या तो बिल्कुल आए नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन बना दिया, सेक्शन आपको याद रखना है कॉल्ड सेक्शन 115। कौन सा जी, सेक्शन याद रखना है कौन सा, सेक्शन 115GB। उन्होंने ऐसा बोला, किसको इग्नोर करो, इग्नोर किसको कर दो, इनकम टैक्स एक्ट को इग्नोर कर दो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में भी तो 115JB आता है ना। 115JB ने पहली लाइन में ऐसा लिखा, सबको भूल जाओ मुझे छोड़कर, कि सबको भूल जाओ मतलब तो 115JB को भी भूल जाओ। उन्होंने क्या बोला कि सबको भूल जाओ मुझे छोड़कर, मतलब क्या, पूरा इनकम टैक्स एक्ट भूल जाओ, बिजनेस प्रॉफिट भूल जाओ, कैपिटल गेन भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। उन्होंने बोला कि एक कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं, वो कैलकुलेशन करो। क्या कैलकुलेशन आपको सिखाया जाएगा असेसमेंट ऑफ कंपनीज में, क्या कैलकुलेशन करना है आपको, बुक प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, बुक प्रॉफिट। भाई बुक प्रॉफिट तो किसके मुताबिक होता है, बुक प्रॉफिट तो किसके मुताबिक होगा, कंपनी सेक्ट के मुताबिक होगा। अभी कंपनी सेक्ट में तो आपने भर भर के प्रॉफिट दिखाया होगा, अग्री करते हो या नहीं। इनकम टैक्स में आपने क्या किया होगा, कुछ झोल झमेला किया होगा और आपने टैक्सेबल इनकम को कम किया होगा। बट कंपनी सेक्ट में तो शेयर होल्डर को बताना है ना, तो शेयर होल्डर को बताने के लिए तो आपने क्या किया होगा, हवाई बातें ज्यादा की होगी। गवर्नमेंट ने बोला हम टैक्सेबल इनकम को नहीं देखेंगे, हम फिर किसको देखेंगे, बुक प्रॉफिट को देखेंगे।
तो आपका जो भी बुक प्रॉफिट होता है उसका आपको कितना परसेंटेज टैक्स पे करना है, 15%। तो ध्यान से समझना, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो मैंने बताई ना कितनी थी, जीरो। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी थी? जीरो। पूरा सेक्शन, मतलब सेक्शन जो इनकम टैक्स के हैं उसको फॉलो करने के बाद आपका टैक्स लायबिलिटी कितना आया? जीरो। अभी आपने कौन सा सेक्शन फॉलो किया? 115 जीबी, उसमें आपका बुक प्रॉफिट कितना आया? कितना बुक प्रॉफिट आया? 300 करोड़। सरकार बोले आप जैसे 10-15 लोग मिल जाएगा तो इंडिया पीछे चला जाएगा। तो 300 करोड़ का अगर मैं 15% करता हूं तो कितना टैक्स आएगा? 45 करोड़। इसको हम टैक्स लायबिलिटी कर देते हैं, ये बेसिक टैक्स है, बट इसको हम क्या कर देते हैं? टैक्स लायबिलिटी। तो अभी आपको कितना टैक्स पे करना है? 115 जीबी वाला टैक्स पे करना है या नॉर्मल वाला पे करना है? यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्या वर्ड लिखा हुआ है? मिनिमम। मतलब मिनिमम तो देना पड़ेगा, तो मिनिमम कितना देना पड़ेगा आपको? मिनिमम कितना देना पड़ेगा? 45। पर अगर मान लो गलती से इधर 56 होता तो, गलती से उधर 56 होता तो आपकी नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल मतलब समझ में आ रहा है ना, पूरा इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करने के बाद आपका टैक्स कितना आ रहा था? 56। और मिनिमम वाला कितना आ रहा था? 45। तो इन दैट केस गवर्नमेंट बोले नहीं, अभी हमें मिनिमम नहीं चाहिए, अभी हमें कितना चाहिए? 50। मतलब जो ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। तो अभी इसको मैं हटा देता हूं। तो अभी ये दोस्तों क्या हो गया कि मिनिमम टैक्स आपने जब पे किया होता है तो एक क्रेडिट आती है, ये आपको समझाना था मुझे, कॉल्ड विच क्रेडिट। जैसे आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है, इसमें कौन सा क्रेडिट आता है? मैट क्रेडिट। मैट क्रेडिट का क्या मतलब होता है? तो जो टैक्स आपने किसमें पे किया, टैक्स पेड अंडर विच सेक्शन 115 जेबी माइनस जो आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी था, उन दोनों का डिफरेंस जो आता है उसको क्या कहा जाता है, कौन सी क्रेडिट कहा जाता है? मेट क्रेडिट। तो टैक्स कितना आपने पे किया अंडर सेक्शन 115 जेबी? 45 करोड़। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी थी? जीरो। तो पूरा का पूरा 45 करोड़ आपका क्या हो जाएगा? मैट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा का पूरा 45 करोड़ आपका क्या हो जाएगा? मैट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा, मान लो आप कौन से सिस्टम में आ रहे हो, कौन से सिस्टम में आ रहे हो? ओल्ड वाले सिस्टम में आ रहे हो। तो ओल्ड वाले सिस्टम में मैट क्रेडिट और मैट का एप्लीकेबल होता है, ठीक है? मतलब अगर आपका एक प्रॉफिट जो होगा टैक्सेबल प्रॉफिट, अगर वो एक सर्टेन लेवल से कम हुआ तो इन दैट केस हम कितना टैक्स लेंगे? जो एक्चुअल में आ रहा है वो नहीं लेंगे, फिर हम कौन सा वाला टैक्स लेंगे? मिनिमम, क्योंकि हमें रेवेन्यू भी तो देखना होता है। समझ में आ रहा है? ये एसोसिएट कंपनीज होती है वो क्या करती है, एसोसिएट कंपनीज जो होती है, जैसे जियो के केस में देख लो तो जियो का एसोसिएट कौन है? रिलायंस। तो जियो के पास बहुत सारा पैसा है, बट उसने जानबूझ के क्या किया, उसने अपनी प्रमोटर कंपनी से लोन लिया, और प्रमोटर कंपनी से लोन लोगे तो फिर उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो आप क्या करोगे, एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करोगे। सो यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर प्रॉफिट, सो यू आर डिक्लेयरिंग योर नॉट एक्चुअल प्रॉफिट बट यू आर डिक्लेयरिंग द मैनिपुलेटेड प्रॉफिट। सो इन दैट केस वी हैव टू मेक द सेक्शन जिसके अंदर हमारा मिनिमम क्या आना चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी उन्होंने बोल दिया हम मिनिमम टैक्स आपसे लेंगे, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे? मिनिमम। इसके ऊपर 3-4 सेशन हमें करने पड़ेंगे जब हम मैट का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि उसमें मैट में हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बुक प्रॉफिट। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहले इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करो, फिर 115 जीबी का करो। जब इनकम टैक्स को करते हो तब 115 जीबी भूल जाओ, समझ रहे हो ना? जब आप इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हो तब आपको किसको भूल जाना पड़ता है? 115 जीबी। 115 जीबी करते हो तब आपको किसको भूलना पड़ता है? इनकम टैक्स। कब किसको भूलना है वो पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर आपने मिनिमम टैक्स आपने पे किया, बट उन्होंने नई स्कीम में क्या बोला, कौन से सेक्शन के अंदर? अभी ध्यान से समझता, सेक्शन 115BAB में बोला हम क्या लगाएंगे, नो मैट। नो मैट मतलब मैट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, जो आपका एक्चुअल लायबिलिटी होगा वही आपको क्या करना है, पे करना। समझ में आ गया ना? कोई मैट का कोई स्कोप ही नहीं है तो मैट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कौन से सेक्शन के अंदर? 115BAB में। अगर आप किस में आते हो, 115BAA में आते हो, तो इसमें भी आपका क्या होगा? नो मैट।
बट अगर आपकी क्या पढ़ी होगी, ध्यान से समझना अभी जो मैं बोल रहा हूँ, 4 मार्क्स में 2 बार पूछा हुआ है, मैट क्रेडिट जो आपकी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी वंस यू आर स्विच टू द विच सेक्शन 115BEE. तो सर इधर भी तो लैप्स करो दोस्तों. यहाँ पे BAB में कौन सी कंपनी होती है, कौन सी कंपनी होती है जो न्यू अंडरटेकिंग होती है उसकी बात चलती है. जो न्यू अंडरटेकिंग होगा वही क्या हो सकता है, 115BAB में आ सकता है ना. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही 115BAB का बेनिफिट ले सकती है. तो अगर वो नया ही कंपनी है तो मैट क्रेडिट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि मैट क्रेडिट तो कौन सी कंपनी में होगी, जो ओल्ड कंपनी होगी उसमें होगी ना, नई कंपनी में कहां से मैट क्रेडिट हो, समझ रहे हो. तो अभी एज ए कंपनी आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करो, ये अपने केस टू केस डिफर होता है. ऐसा नहीं है कि 115BA में चले जाओ, BAA में चले जाओ, कितना टैक्स है, 22 है, इधर 30 दिख रहा है, इधर 22 दिख रहा है. छोटे बच्चे को भी पूछो तो भी वो क्या बोलेगा, अंकल 22% पे चले जाओ. क्यों, क्योंकि टैक्स रेट क्या है, कम है. अरे टैक्स रेट कम नहीं है, देखना पड़ता है. 10AA उड़ा दिया, साइंटिफिक रिसर्च उड़ा दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन उड़ा दिया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD उड़ा दिया, चैप्टर 6A उड़ा दिया, मतलब पूरा पूरा क्या कर दिया, मैदान साफ कर दिया. और साथ में क्या उड़ा दिया, मैट भी उड़ा दिया. मतलब आपके पास बहुत ज्यादा मैट क्रेडिट पड़ी होगी तो क्या होगा, वो भी चली जाएगी ना. तो 115BAA वाला ऑप्शन उनके लिए ही बेनिफिशियल है जो लोग इन सब चीजों के अंदर आते नहीं. मान लो कि आपका ना 32AD का कभी शक्ल तक नहीं देखा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है, 10AA SEZ तो छोड़ो बगल का कोई शहर है वो नहीं देखा हमने, समझ में आ गया, कोई बेनिफिट हमने लिया ही नहीं. तो आप क्या जा सकते हो, तो आप जा सकते हो ना किसके अंदर, 115BAA, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, 30 का 22 हो रहा है ना, क्लियर हो गया. तो ये ध्यान रख, समझ में आ रहा है. तो देखना, स्टार्ट करते हैं. अभी लास्ट लेक्चर में तो हमने सिर्फ डिस्कशन किया था. कुछ डिस्कस किया था, मतलब थियरी पढ़ी थी इसकी के बाकी थी कुछ. चलो स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 115BAA, टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज. ध्यान से पढ़ना, मतलब ये किस कंपनी के लिए है, कौन सी कंपनी के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी है. ठीक है, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी एग्जिस्ट करती है. ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने पास किया था, मैंने बताया था कि ऑर्डिनेंस कब पास होता है, कितना टैक्स रेट है, 22%. ये बेसिक टैक्स रेट है. इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है, 25.17%. क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा. कितना परसेंट टैक्स है, 22 प्लस 10 प्लस 4, वो कैसे करना है वो मैंने बता दिया. 22 के ऊपर 10% मत ऐड करना, 22 का 10% ऐड करना. टैक्स एट द रेट ऑफ 22% एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. आई थिंक ये डिस्कस हुआ है, हो गया था ये वाला पार्ट, मैंने सेक्शन वाइज बताया भी है, दिख रहा है मुझे. ये टैबलेट अलग है इसलिए, तो इसमें लिखा हुआ है डिडक्शन आपको कौन सा सेक्शन में नहीं लेना है, 10AA में नहीं लेना, फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, 32AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं लेना है. इन शॉर्ट जो एक्स्ट्रा आपको मिलता था वो एक्स्ट्रा सारा बंद. ठीक है ना, विथ एक्स्ट्रा अगर 22 लेते तो बात बनती ना, बट इन्होंने बोला जो एक्स्ट्रा हम आपको दे रहे हैं वो आपको मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं अंदर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 6A का भी आपको डिडक्शन नहीं लेना है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 80JJAA को छोड़कर. 80JJAA का आप ले सकते हो, 80JJAA में किसका डिडक्शन आपको मिलता है, तो जो न्यू वर्कमैन आप अपने यहाँ पे रखते हो उसका आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है. ये ऑप्शन आपको कब तक एक्सरसाइज करना होगा, ये 115BAA का जो ऑप्शन होगा, जब आप क्या करते हो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो तब तक आपको एक्सरसाइज करना है. बट रिटर्न ऑफ इनकम भी कब फाइल होना चाहिए, ड्यू डेट. आपका मन कर रहा है तब आप फाइल करोगे और ऑप्शन हम आपको देंगे, ऐसा नहीं होगा. क्लियर हो गया, तो ड्यू डेट पे आपको ये फाइल मतलब ऑप्शन लेना है. फिर मैंने ये भी बताया था जाते जाते सेशन खत्म हुआ था, अगर आप एक बार 115BAA में आ गए तो मतलब पूरी तरह से आ गए. वापिस से अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे वापिस से नॉर्मल में जाना है, ध्यान से सुनना, 115BAA में आए फिर आप क्या बोल रहे हो, मुझे कहाँ जाना है वापस नॉर्मल में, तो जाने को मिलेगा. मैंने बताया था रिवाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि क्या होगा वो पुराना जो लॉस होगा वो लॉस सारा क्या कर दिया होगा हमने, तो
लैप्स करवा दिया होगा तो वापस से रिवाइवल होने के चांसेस नहीं। क्लियर हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने मैट का डिस्कशन किया, मैट मैंने बताया ना मैट क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपए किसके आते हैं, किसके 100 रुपए डायरेक्ट टैक्स के आते हैं, तो उसमें से 87% कहां से आता है, कंपनी से आता है। कंपनी इज द बिगेस्ट टैक्स पेयर, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंज्यूमर ही पे करता है। अभी 87% टैक्स कौन पे करता है, कंपनी। मतलब 100 रुपए अगर डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन आता है, मतलब 1,00,000 करोड़ का अगर टैक्स का कलेक्शन हमारे पास आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, कंपनी, एंड देन सेकंड पे सैलरीड पर्सन आता है। तो अभी इस केस में 87% मतलब बहुत ही ह्यूज रेवेन्यू हमारा वहां से आता है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम थोड़ा भी यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे उस जमाने में मैट बनाया कि लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग बताते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है अलग, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट को क्या करते हैं कम दिखाते हैं, ताकि टैक्स का लायबिलिटी क्या हो, कम हो। अकाउंटिंग में प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं क्योंकि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बताता है, और ज्यादातर वही अकाउंट्स आगे हमें रिपोर्ट करने होते हैं शेयरहोल्डर में, और वही एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनते हैं। गवर्नमेंट ने बोला इसको मारो गोली टैक्सेबल प्रॉफिट को, अपने किसको उठाओ, अकाउंटिंग प्रॉफिट, और अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर ही सीधा कितना दावा कितना बोल दिया, 15%। बोले इतना तो तुमको मिनिमम देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है 87% तो चाहिए ना हमें, वो तो डेली बेसिस मतलब ईयर टू ईयर बेसिस पे डिटेल देखेंगे। मान लो अभी इस साल 87,000 करोड़ कंपनी से आया, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ईयर जाके सीधा 63,000 करोड़ हो गया, तो सारे जो सेक्रेटरिएट होंगे चिंतित हो जाएंगे, बोले ये क्या हो गया, 87 का सीधा कितना हो गया 63। बोले रेवेन्यू डिस्टर्ब हो रहा है, रेवेन्यू के ऊपर ध्यान दो, पैसा आना चाहिए, क्या करो, सेक्शन बनाओ, मिनिमम टैक्स लो, पैसा आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, क्योंकि आगे बैठे होते डिफेंस वाले, एजुकेशन वाला, हेल्थ वाला, बोले पैसा निकालो, उनको कहां से पैसा देंगे, पैसा आएगा तो पैसा देंगे ना। तो मैट किस पर्पस के लिए आएगा, परेशान करने के लिए आएगा मैट, कि रेवेन्यू जो मिनिमम रेवेन्यू चाहिए कंट्री को चलाने के लिए, मिनिमम रेवेन्यू तो चाहिए ना, तो मिनिमम तो हम लेंगे, एक लेवल से ज्यादा अगर हम बेनिफिट देना स्टार्ट करेंगे तो कंट्री को भी तो चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, इसलिए मैट आया। तो अपने कुछ ज्यादा इमोशंस में चले गए कि मैट किस लिए आया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है आप ध्यान से पढ़ो, कंपनीज विच ऑप्ट फॉर सेक्शन विद सेक्शन 115BAA शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मतलब उनको मैट पे करना नहीं। मतलब गवर्नमेंट ने बोला हम आपका खुले हाथों से स्वागत करते हैं, ठीक है ना, आपको मैट पे करना नहीं, आप आ सकते हो, लेकिन आपके पास क्या पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, मैट क्रेडिट पड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स करो, पुरानी बातें पीछे ही छोड़ के आपको आनी पड़ेगी। तो मैट क्रेडिट हम क्या कर देंगे, लैप्स। मैट क्रेडिट बड़ी जबरदस्त तरीके से वो इस्तेमाल करते थे, मतलब देखो क्रेडिट कैसे यूज होती थी, कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। मान लो यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर 1920 है, EY कौन सा है 2021, उस ईयर में मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, NTL समझ में आ जाएगा सब, क्या लिखा ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 12 करोड़ था, मेरा मैट वाला लायबिलिटी जो था वो कितना था, तो वो मेरा था 18 करोड़। क्लियर। सो अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, कितना टैक्स आपको पे करना है, इन दोनों में से जो हायर होगा वो पे करना है, विचेवर इज हायर, 12 करोड़ और मिनिमम कितना देना है 18, तो आपका टैक्स लायबिलिटी दोस्तों कितना होगा 18 करोड़। तो आपका मैट क्रेडिट कितना हो जाएगा, मैट क्रेडिट आपका कितना हो जाएगा 6 करोड़ आपका मैट क्रेडिट, मतलब ये आपकी असेट होगी, समझ में आ गया ना। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आपने कौन सा ईयर आ गया 2021-22, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपका कितना था 13 करोड़, और मैट वाला जो लायबिलिटी था वो आपका कितना था 19 करोड़। तो इस साल भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, इस साल भी टैक्स लायबिलिटी कितना होगा 19। अभी आपने क्या बोला,
मैट यूज करने दो, तो आपने बोला मैट क्रोड मैट क्रेडिट 6 करोड़ एडजस्ट करो, मैं कितना पे करूंगा 13 करोड़। गवर्नमेंट बोले ऐसा नहीं होता, ये मैट आप यूज नहीं कर सकते, क्रेडिट आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, मिनिमम इतना तो बनता है, तो मिनिमम कितना देना है आपको, मिनिमम कितना देना है 19। गवर्नमेंट बोले हमारे पास कितना करोड़ आना चाहिए, 19 आना चाहिए। बोले आगे का 6 क्रेडिट पड़ा है, बोले वो बाद में देखेंगे, अभी कितना देना पड़ेगा 19। क्लियर हो गया। थर्ड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर में क्या हुआ, 21-22 असेसमेंट ईयर, 22-23 आपके वाला केस है, उसमें नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपका कितना था, 22 करोड़। ध्यान से समझना, अभी मजा आएगा। मैट में आपका लायबिलिटी कितना था, 19 करोड़। तो इस केस में ऐसे देखने जाए तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 22 करोड़ है। इन दोनों का हायर तो 22 ही होगा ना दोस्तों, लेकिन इस केस में आप मैट क्रेडिट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अभी आपकी मैट क्रेडिट है कितनी, 6 करोड़ पहले के साल की थी प्लस 6 करोड़ करंट ईयर की आई ना, तो टोटल क्रेडिट आपकी कितनी हो गई, 12 करोड़ की आपके पास क्रेडिट पड़ी। अभी आपने बोला 12 करोड़ एडजस्ट करो, गवर्नमेंट ने बोला 10 करोड़ पे करो, मतलब आपने बोला 10 करोड़ पे करो, गवर्नमेंट बोले गलत जवाब, 12 करोड़ नहीं कर सकते। टू द एक्सटेंट ऑफ 19 तो देना ही पड़ेगा, मतलब मिनिमम कितना बनता है, 19 तो देना ही पड़ेगा। सरकार को देश चलाने के लिए 19 करोड़ तो चाहिए, तो आप कितना मैट क्रेडिट एडजस्ट कर सकते हो, 3 करोड़ ही कर सकते, क्योंकि कौन सा टैक्स है, मिनिमम, मिनिमम मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा। आगे समझ, क्लियर हो गया। बस इस तरह से आप, तो अभी मान लो आप, अभी आप मान लो 21-22 में आप किस में आ गए, 21-22 में आप किस में आना चाहते हो, 115BAA, तो ये 12 करोड़ जो सरकार के पास पड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो वो लैप्स हो जाएंगे। फिर वापस से आप मान लो नॉर्मल में आना है तो नहीं आ सकते ना, पहले ही तो पड़ा, एक बार जा चुका तो जा चुका, फिर नॉर्मल में आएगा तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोले 12 करोड़ रिवाइव करवाओ, गवर्नमेंट बोले 12 करोड़ रिवाइव कराएंगे कोई बात नहीं, पर वो 8% कम दिया उसका हिसाब वो वापस दो तो कितना मतलब झमेला हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए एक बार जा चुके हैं, वहां जा चुके, गवर्नमेंट बोले देखो हमें भी बड़ी मुश्किल से समझ आता है और उसमें भी अगर आप इस तरह से यहाँ वहां घूमते रहोगे तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी ना, हम भी बड़ी मुश्किल से समझते हैं, 4-5 सेकेंडरी को बिठा के समझते कि हो क्या रहा है, फिर जाके कुछ समझ आता है तो नोटिफिकेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3, इफ कंपनी फॉलो द सेक्शन 115BAA देन फिक्स सरचार्ज कितना रहेगा, 10%। ऐसे सरचार्ज डिविएट होता है, डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज 5% है, सॉरी 7% है और 12% है। 7% अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहेगी तो लास्ट लेक्चर में बताया था, और 10 करोड़ से ऊपर होगा तो कितना, 12। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी 2% एंड 5%। देखो हम नया पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पुराना वाला बंद हो गया, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला मैट लैप्स हो गया सिलेबस में, मैंने क्या बोला मैट क्रेडिट लैप्स हो जाएगा अगर आप कौन से सेक्शन में जाओगे, 115BAA। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑल्टरनेटिव सेक्शन बना के आपका काम बना बढ़ा दिया ना इन लोगों ने, बोले ये करो, अगर ये कर रहे हो तो ये मत करो, ठीक है, फिर बाद में चेक करो कि कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा आपके लिए क्या है बेनिफिशियल, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, सेक्शन आगे बढ़ते हैं, यहां से बाकी होगा 115 कौन सा, BAB। तो ये पूरा अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें हमें डिस्कस क्या करना था, मैट के बारे में, क्या है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अभी टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन कौन सी कंपनी है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको समझना है, कंपनीज एडेड बाय द टैक्सेशन लॉ ऑर्डिनेंस 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया था, ओके, कितना परसेंट टैक्स लगा, 15%। और ये कौन सी कंपनी है जो न्यूली सेटअप है, और कौन से एरिया में है, कौन सा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसमें लिखा हुआ है टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ अदर चैप्टर, मतलब चैप्टर 12। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इनकम टैक्स में इन टोटल कितने चैप्टर है, वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, याद रखना है ये चैप्टर, कौन सा चैप्टर है,
चैप्टर 12, चैप्टर मतलब आपके इंडेक्स का जो चैप्टर है उसकी बात नहीं कर रही है, बैरेक्ट का जो चैप्टर है। तो चैप्टर 12 है और दूसरा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 16। चैप्टर 12 में आपको क्या दे रखा है, कौन से रेट्स दे के रखे हैं, टैक्स रेट्स। चैप्टर 6 में आपको क्या दे रखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा, एटीसी से कौन सा वाला, एटीयू वाला। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था टैक्स रेट दो टाइप के होते हैं, एक होते कौन से रेट नॉर्मल और दूसरे कौन से, तो हम किसकी बात चल रही है, नॉर्मल। स्पेशल तो जो है वो तो है ही, ये जो 15% चल रहा है ना, बात ये किसका चल रहा है, स्पेशल का चल रहा है कि पूरे चैप्टर 12 का चल रहा है कि सिर्फ चैप्टर 12 में नॉर्मल का चल रहा है। क्या लिखा है इधर, ध्यान से पढ़ो, बैरेक्ट पढ़ना सीखना है। टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12, मतलब चैप्टर 12 में जो स्पेसिफिक रेट दे रखे हैं उनका सम्मान करते हुए हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट मतलब जो बिजनेस इनकम होती है वो नॉर्मल रेट में जाती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किस में जाती है, नॉर्मल रेट में। बट मान लो कैपिटल गेन की इनकम होगी तो कैपिटल गेन इनकम पे 15% लगेगा, कि जो रेट उन्होंने बताया होगा वो लगेगा, जो बताया होगा वो लगेगा। जहां पे नॉर्मल रेट बताया वहां पे कितना लगाना है, 15। लॉटरी इनकम होगी तो क्या नॉर्मल 15% वाला लगेगा, कि वो 30% होगा वो लगेगा, 30% होगा वो लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अदर देन सेक्शन 115 BA एंड BAA, द इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर दिस कंपनी शैल बी, क्या लिखा हुआ है, 17.16% इंक्लूसिव ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सरचार्ज सेस, उसमें 15% बेसिक है, 10% सरचार्ज एंड 4% सेस। Tax at the rate of 15% is applicable if the following condition are satisfied. क्या conditions आपको satisfy करनी है? तो इसमें लिखा है the company has been set up and registered on or after 1st October 2019 and has commenced the manufacturing on or before कब तक? 31st of March 2023. इस दिन के बाद setup होनी चाहिए। ये ordinance उन्होंने कब लाया था? ये इस दिन उन्होंने ordinance लाया था 20/9/2019 को। क्लियर। और कंपनी का सेटअप करने की डेट कौन सी रखी है, प्रोफेशनल लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ, 1st October 2019। ठीक है ना, मतलब हमने जब ऑर्डिनेंस लाया उसके बाद जो कंपनी सेटअप होती है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लोग क्या करेंगे बताए, 3-4 महीने पहले कोई कंपनी सेटअप की होगी वो भी इसमें आ जाएगा। मतलब मान लो किसी ने 1 जून 2019 को कंपनी सेटअप किया था, बोले मैं भी आऊंगा BAB में, गवर्नमेंट बोले BAB में नहीं आना है, आपको कहाँ जाना है, नॉर्मल में जाओ या ज्यादा से ज्यादा BAA में चले जाओ। BAA में तो कोई भी आ सकता है ना, BAA में कहा लिखा था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना चाहिए, ये तो BAB में क्या लिखा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी, इन क्या लिखा हुआ है, मतलब डीमर्जर नहीं होना चाहिए। अभी क्या हुआ, मान लो एक कंपनी को है कॉल्ड ABC लिमिटेड, उसके 3 यूनिट है A, B एंड C, उसमें से सी वाला यूनिट जो बोल रहा है वो बोले अभी मजा नहीं आ रहा है, तो ये जो सी यूनिट था उसने बोला मुझे क्या होना है, अलग होना है। कंपनी ने बोला ओके नहीं मजा आ रहा है, तो अपने को जबरदस्ती रखना भी नहीं। तो अभी मान लो कि एक नया कंपनी सेटअप हो गया, कौन सा कंपनी, सी लिमिटेड, और यहाँ पे कौन सा कंपनी है, अभी इसको टेक्निकल टर्म्स में दोस्तों इसको कौन सी कंपनी कहा जाता है, डीमर्ज कंपनी, और इसको कौन सी कंपनी कहा जाता है, रिजल्टिंग कंपनी। तो ऐसे देखने जाए ऑन पेपर तो ये सी लिमिटेड न्यू कंपनी है ना, बट सब्सटेंस में देखने जाओ तो क्या सी लिमिटेड नई कंपनी, क्या उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, क्या वो नए लोग होंगे, उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी होगी क्या वो नई कंपनी होगी, इट इज ओनली द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इस केस में क्या सी लिमिटेड 115 BAB में आ सकता है, नहीं आ सकता। अदरवाइज तो क्या होगा, कोई बड़ी कंपनी होगी ना वो ऐसा ही करेगी, बोले मारो डीमर्जर, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एटलीस्ट उसको तो कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। इसलिए उन्होंने बोला पूरा का पूरा नया बिजनेस होना चाहिए, कंपनी शुड नॉट बी स्प्लिट अप और द रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब उसका कोई पुराना एग्जिस्टेंस होना नहीं, तब जाके आपको मिलेगा 15%। उसके बाद देखो अभी बिजनेस स्टार्ट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो उसमें किसकी जरूरत ज्यादा होती है, प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी लेके आना है। प्लांट एंड मशीनरी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए,
नया प्लांट एंड मशीनरी लेके आके बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पुराना है तो गवर्नमेंट बोले हम आपको बीएबी का बेनिफिट नहीं दे सकते। प्लांट एंड मशीनरी क्या होना चाहिए? न्यू होना चाहिए। बट उसमें उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्शन मतलब कुछ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उन्होंने क्या बोला, 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी, क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर आप 100 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लेके आते हो तो उसमें 20 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी अगर पुरानी वाली होगी तो चलेगा, बट मेक श्योर कि 80% क्या होनी चाहिए, न्यू। ये अजीब लिखा है, देखो, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी शैल बी ट्रीटेड एज अ न्यू ओनली, मतलब क्या होगा, सेकेंड हैंड इंपोर्ट किया होगा तो भी आपको उसको क्या मानना है, न्यू मानना है। ये आपने इंटर में एक सेक्शन शायद पढ़ा होगा, उसमें भी ये कंडीशन थी, 35AD करके एक सेक्शन है। तो अगर आपने कोई मशीनरी को इंपोर्ट किया है तो उसको भी क्या मानना है, न्यू, क्योंकि वो इंडिया के लिए तो न्यू है ना। आपने वो एड सुनी होगी ना, एक आधी एड में मैंने कहीं सुना था, अगर आपने सेकेंड हैंड कार ली है तो आपके लिए तो नहीं है ना, ऐसे सेकेंड हैंड है पर आपके लिए तो पहली बार है ना। तो इंडिया के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी क्या है, न्यू, तो उसको आपको क्या मानना है, न्यू मानना है। आगे समझ, बट मेक श्योर कि इंडिया में उस मशीनरी को पहले किसी ने यूज ना किया। ये नया लाया सर आपने, मतलब मान लो जो मशीनरी आपने इंपोर्ट की है वही मशीनरी पहले इंडिया से एक्सपोर्ट हुई थी। गवर्नमेंट बोले यार इसको तो पहले किसी ने एक्सपोर्ट किया, इसके ऊपर तो पहले किसी ने डिडक्शन ले लिया, क्योंकि सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन तो ले ही लिया होगा उस, तो सेक्शन 32 चाहे आपको दो, इसको दो, उसको दो, है तो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही ना। गवर्नमेंट क्या देखता है, गवर्नमेंट किसी का इंडिविजुअल पीएनएल नहीं देखता, वो तो ओवरऑल पीएनएल देखेगा। किसी का एक्सपेंस किसी के बुक्स में क्या होता है, इनकम बनता है ना, तो वो तो सब कुछ देखेगा ना। तो पहले एक्सपोर्ट हुई, बाद में क्या हुई, वापिस इंपोर्ट हो गई, तो यार ऑफिसर क्या बोलेगा, बस आप 10-15 लोग और मिल जाओ, हो रहा कल्याण इंडिया का। नेक्स्ट देखो, ये सारी कंडीशन क्यूमुलेटिव कंडीशन सारी आपको क्या करनी है, एक लाइन में सेटिस्फाई करनी है। अगर एक भी जगह पे मान लो क्या हो गया, नो, तो उस केस में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नॉर्मल में जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 115BAA में जाना पड़ेगा। तो आपने समझ रहे हो दोस्तों, BAA में जो था ना, BAA में इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितने किसमें, BAB में। क्लियर। कंपनी डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज, क्या लिखा हुआ है, होटल एंड क्या, कन्वेंशन सेंटर। मतलब कोई होटल बिल्डिंग था या कन्वेंशन सेंटर था, उसको आपने फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। द कंपनी इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग इन रिसर्च इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और सच आर्टिकल और थिंग मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस बाय, क्या लिखा हुआ है, मतलब ये बात कर रहे हैं कि वो एक्सक्लूसिवली कौन सी कंपनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों इतनी ज्यादा कंडीशन लगा रहे, क्योंकि वो लोग बेनिफिट किसको देना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मेक श्योर कि कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आके क्या कर दे, बीच में टांग ना अड़े। समझ में आ रहा है, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ क्या होता क्या है। आपको लगेगा कि सर ये कंडीशन ही है, हमने पढ़ ली, बात समझ में आ गई, हो गया खत्म। आप एक्चुअल में रियल इंपैक्ट देखोगे तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, आगे के चैप्टर में काम आएगा। अभी हुआ क्या, ये कौन सा कंपनी है, ए लिमिटेड, एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस भी है, ठीक है, कुछ छोटा मोटा फाइनेंस का भी बिजनेस है, मतलब इन शॉर्ट वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उनका। ए लिमिटेड का एक यूनिट है जो क्या करता है, क्या करता है, कौन सी एक्टिविटी करता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, प्लस सर्विस भी लिख सकता हूँ, प्लस अदर एक्टिविटी, मतलब ये एक आपका एक यूनिट है। दूसरा यूनिट जो है ना, ठीक है, वो कौन सी एक्टिविटी करता है, कौन सी एक्टिविटी करता है, मैन्युफैक्चरिंग। मान लो कि आप लॉ मेकर हो, आप लॉ बना रहे हो, तो क्या होगा, मान लो कि ये ए लिमिटेड जो था वो इनकॉर्पोरेट कब हुआ, तो वो इनकॉर्पोरेट कब हुआ, 1 जनवरी 2020 को हुआ, तो डेट भी सही है, सेक्शन 115BAB के रडार में भी आ सकती है, बीएबी और BAA समझ में आ रहा है ना, तो वो लोग बीएबी का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हुआ क्या, ये वाला जो यूनिट है उसमें वो बोल रहे हैं कि हम किस में जाना चाहते हैं, 15,
और इसके लिए हम किस में जाना चाहते हैं? 22 मतलब ये वाला कौन सा सेक्शन, कौन सा वाला बी ए डबल ए, और ये वाला कौन सा है बी ए, इसमें आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा है कि एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, उन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो होगा क्या? तो यहाँ पे 22% है और यहाँ पे कितना है 15%, यहाँ पे 22 भी हो सकता है और कितना हो सकता है 30 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उनको कौन से ऑप्शन में जाना है। सो अभी व्हाट द ए लिमिटेड विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू शिफ्ट देयर प्रॉफिट फ्रॉम 30 और 22% टू द 15%। मतलब क्या होगा, अभी यहां पे जो प्रॉफिट होने वाला है ना, वो प्रॉफिट पूरा का पूरा क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। किसको शिफ्ट कर देंगे? इस यूनिट को शिफ्ट कर देंगे। मतलब क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा ना, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होगा वो गुड्स खुद बाय नहीं करेगा, वो उसके ट्रेडिंग यूनिट को बोलेगा चल तू बाय कर। किस, क्या बाय कर, तू बाय कर, जो प्राइस पे आता है उसी प्राइस पे बाय कर, ठीक है ना, और मैं तुझसे बाय करूंगा कौन से प्राइस पे, कम प्राइस पे, और मैं लॉस दिखा दूंगा किसमें, यूनिट वन में, तो उसका तो कम प्राइस आया होगा ना यूनिट में, तो उसका तो कम एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, तो वहां पे तो प्रॉफिट क्या हो गया, समझ रहे हो मैं क्या बोल के आ रहा हूँ, तो प्रॉफिट तो बढ़ गया ना यूनिट का। तो ये केस में तो क्या हो गया, आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या कर दिया, पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो प्रॉफिट पे कितना परसेंट टैक्स लगने वाला था, समझ रहे हो, जो प्रॉफिट पे 30 या 22% टैक्स लगने वाला था उस पे अभी हमें कितना टैक्स मिल रहा है, 15%। समझ में आ गया? इसलिए गवर्नमेंट ने बोला इन सबको मारो गोली। कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, उसी को क्या मिलेगा, बीएबी का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी करती है तो उनको 115 बीएबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, दे विल ट्राई टू शिफ्ट देयर प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल इनकम टू द विच इनकम, स्पेशल रेट इनकम ना, ये 15% वाला हो गया ना, तो ये हम नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने क्या वर्ड लिखा, एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इस केस में क्या होता है, ये केस हम नहीं होगा, इसलिए हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया, दैट इज द रीजन व्हाई कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाया। दूसरा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, ना समझ में आया तो आपको पूछना मुझे। अभी क्या हुआ, हमने किसका बात किया, किसका बात किया, ए लिमिटेड। तो अभी ए लिमिटेड को पता चल गया, बोले यार ये तो अपने फंस गए, सर्विस भी स्टार्ट करना था, मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करना था, तो ए लिमिटेड ने क्या प्लान किया, एक काम करते हैं अपने दोनों यूनिट को स्प्लिट करते हैं और दो अलग अलग कंपनीज क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। यहाँ पे बी लिमिटेड है और यहाँ पे कौन है, ए लिमिटेड। नाउ बी लिमिटेड इज अ होल्ली कंट्रोल्ड कंपनी, मतलब बी लिमिटेड के पास मान लो ए लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर्स हैं, 90% शेयर्स। बी लिमिटेड का काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। ए लिमिटेड का काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना। अभी हम, हमारा टारगेट क्या होगा कि ए लिमिटेड है उस पर कितना टैक्स आएगा, 15, इसमें कितना आएगा, या तो 22 आएगा या तो कितना आएगा 30। तो आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ, व्हाट यू विल डू, अगर मान लो टैक्स का इवेजन करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू शिफ्ट योर होल प्रॉफिट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन ऑर्डर टू अवॉइड और इन ऑर्डर टू इवेड द टैक्स, नॉट सेव द टैक्स बट इन ऑर्डर टू इवेड टैक्स। आप क्या करोगे, ये बी लिमिटेड का प्रॉफिट होगा तो वो किसको ट्रांसफर करोगे, ए लिमिटेड को ट्रांसफर करोगे, और शेयर होल्डर को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी बिकॉज ए लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी। तो अल्टीमेटली जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ए लिमिटेड का प्रॉफिट तो अपने अंदर दिख ही रहा है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजिशन भी तो अपनी साउंड ही लग रही है। आपको समझ में आ रहा है मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ? तो हमने तो सारा का सारा प्रॉफिट क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला इन सब चीजों से हमें दिक्कत है, एओ ने बोला ये क्लोज कनेक्शन वाली कंपनी से, ठीक है, क्लोज कनेक्शन वाली मतलब यहाँ पे बी लिमिटेड क्या कर रहा है, अपना सारा प्रॉफिट किसको शिफ्ट कर रहा है, ए लिमिट को शिफ्ट कर रहा है। तो वो शिफ्ट कैसे करेगा, तो वो ट्रांजेक्शन के थ्रू ही करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि लास्ट में ईयर एंड एक एंट्री ट्रांसफर कर दी हो गया तो प्रॉफिट ऐसे होगा। हम सेल करेंगे कितने दाम पे करेंगे, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कोई गुड सेल करेगा कम दाम में करेगा, परचेस करेगा तो ज्यादा दाम में करेगा,
लोन देगा तो इंटरेस्ट फ्री लोन देगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब किसी भी तरह से एक्सपेंस को बढ़ाने का ट्राई करेगा और इनकम को क्या करने का ट्राई करेगा कम, ताकि हमारा जो प्रॉफिट हो वो एक मिनिमाइज लेवल तक पहुंच जाए। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आता है, कॉल्ड विच कॉन्सेप्ट, विच प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस कब एप्लीकेबल होता है थोड़ा ध्यान से समझना, जब भी कौन सी सिचुएशन होती है दोस्तों, कौन सी सिचुएशन होती है, कंट्रोल सिचुएशन होती है। कंट्रोल सिचुएशन मतलब जहां पे दो पार्टी में किसी एक पार्टी के पास कंट्रोल करने का पावर होता है। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं, लेमन टर्म्स में बोलूं तो कौन सा पार्टी, रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी में क्या होता है, उसमें से एक पार्टी के पास सिचुएशन कंट्रोल करने का क्या होता है, पावर। तो ऑब्वियस है कि कंट्रोल सिचुएशन होगी तो जो प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल मार्केट प्राइस तो नहीं होगा, वो तो किसी के और के विश पे प्राइस डिसाइड हुई होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आर्म्स लेंथ प्राइस हम एप्लीकेबल कर देंगे। तो आर्म्स लेंथ प्राइस में उन्होंने क्या बोला, अगर बी लिमिटेड ने यही गुड्स किसी और को कितने में बेचा होता, अनकंट्रोल सिचुएशन में कितने में बेचा होता। तो मान लो बी लिमिटेड ने ए लिमिट को जो गुड्स 22 करोड़ में बेचा था, वो बी लिमिट किसी और को कितने में बेचता है, 32 करोड़ में बेचता है। तो हम टैक्स पर्पस के लिए 22 करोड़ लेंगे या 32 करोड़ लेंगे, 32 करोड़ लेंगे, समझ में आ गया। तो इस केस में हम क्या लगा देंगे, एएलपी लगा देंगे। अभी तक एक भी बार ये एडजस्टमेंट पूछा नहीं है, सीए फाइनल के पेपर में इस बार पूछा था, जो अभी दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम, उसमें उन्होंने पूछा था, एंड आई वुड रेट एज अ टफेस्ट एडजस्टमेंट जो हम बेसिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। क्या किया हमने, हमें क्या करना, अगर क्लोज कनेक्शन हुआ, क्लोज कनेक्शन मतलब कंट्रोल सिचुएशन हुई, अभी वो कंट्रोल सिचुएशन एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, वी विल डिस्कस इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो वो अगर क्लोज कनेक्शन हुआ एंड इन विच द प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ द रिलेशंस ऑफ अदर, तो इन दैट केस वी नीड टू अप्लाई द एएलपी टू अराइव एट अ नॉर्मल टैक्सेबल प्रॉफिट, बिकॉज द प्रॉफिट विच इज डिस्क्लोज्ड बाय द टैक्सपेयर इज नॉट एज पर द रेलेवेंट लॉ। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द एनवायरमेंट जिसमें आपको क्या पे करना पड़े, कम टैक्स पे करना पड़े, क्लियर। तो जो प्रॉफिट सब्सटेंस पे आता है और जो प्रॉफिट यूजुअली आना चाहिए वो प्रॉफिट पे हम टैक्स लेंगे, फॉर दैट वी रिक्वायर सर्टेन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लगा देंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस। मैंने बेसिक्स में भी आपको बताया था, सेकेंड ईयर आई थिंक सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन क्यों इवॉल्व हुआ, इतना पिछले 5-7 सालों में ज्यादा इवॉल्व हो गया, क्यों इवॉल्व हुआ। अगर मान लो कि ये कंपनी जो है ए लिमिटेड है वो इंडियन कंपनी और बी लिमिटेड कोई फॉरेन कंपनी, तो इंडियन कंपनी क्या करेगी, एक शेल कंपनी बनाएगी। कहां पे बनाएगी, शेल कंपनी, शेल कंपनी मतलब पता है ना, शेल कंपनी मतलब फेक कंपनी, इन द टैक्स हॉलिडे कंट्री, मतलब टैक्स हेवन कंट्री, जहां पे टैक्स क्या है, बिल्कुल जीरो है। तो वो लोग क्या करेंगे, इंडियन कंपनी जो इंडिया में प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है, दे विल डिक्लेयर देयर प्रॉफिट नॉट इन इंडिया, दे विल ट्रांसफर ऑल देयर प्रॉफिट्स टू That shell company. तो होगा क्या, सारा प्रॉफिट आपने क्या कहा ट्रांसफर कर दिया वो शेल कंपनी के, तभी इंडिया में तो प्रॉफिट आपका क्या हो गया, जीरो तो नहीं बताओगे बट थोड़ा बहुत ज्यादा बताओगे ताकि कोई डाउट ना हो। तो आपने प्रॉफिट को तो क्या कर दिया, कम कर दिया, या तो बिल्कुल जीरो कर दिया या फिर लॉस बता दिया, कुछ भी कर दिया, और वो प्रॉफिट आपने कहा ट्रांसफर कर दिया, आपने रियल में प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया, प्रॉफिट तो आपके पास ही है बट सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन किए हैं। तभी इसको अगर हमें टैक्सेबल लाना पड़ेगा, इंडिया में वापस लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो क्या बोलेगा, अगर आप किसी और को माल बेचते हो, या अगर आप किसी और को लोन देते हो, या फिर आप किसी और से लोन लेते हो, अभी लोन दूंगा तो कम रेट से दूंगा, लूंगा तो ज्यादा रेट से लूंगा, तो प्रॉफिट कम आएगा ना। तो उस केस में उन्होंने बोला कि नहीं, हम हमारा सिस्टम लेके आएंगे कॉल्ड एएलपी, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन चलता है 20-22 सेशन तक, पर पहला सेशन जिसने अच्छे से समझ लिया, पिछले 10 सेशन ना भी अटेंड करें ना तो भी चल जाता है, क्योंकि वो पहले सेशन में रियल पॉइंट यही है कि हमारा इंटेंट और हमारा मोटिव एएलपी अप्लाई करने के पीछे का रीजन क्या है। इनकम टैक्स का अभी से याद रखना, इनकम टैक्स का हर सेक्शन रेवेन्यू को बढ़ाता है, मतलब रेवेन्यू से मेरा मतलब क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। अगर कोई सेक्शन इनकम को कम करता है तो वो सेक्शन इनकम टैक्स का है ही नहीं, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। कि अगर मान लो कि किसी सेक्शन ने बीच में आके गुस्ताखी की, ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट को क्या किया रियल, मान लो एसएससी ने बोला मेरा प्रॉफिट 22 करोड़, सेक्शन ने आके 12 करोड़ कर दिया,
तो इनकम टैक्स वाले ने बोला ये सेक्शन नल एंड वॉइड है, क्योंकि एसएससी खुद बोल रहा है कि 22 करोड़ रुपए क्या है प्रॉफिट, और हमारा सेक्शन आके क्या करता है, काम तो गया था बीच में, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। सेक्शन हमारा क्या करता है, हर सेक्शन क्या होगा, या तो 22 से कहां ले जाएगा, 22 पे रखेगा, या तो 22 से कहां ले जाएगा, 30 पे ले जाएगा। बट सेक्शन क्या करेगा, इनकम को क्या करेगा, इनकम को बढ़ाएगा, लॉस को कम करेगा, इतना याद रखना। इनकम को बढ़ाएगा मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाएगा, लॉस को क्या करेगा कम, क्योंकि लॉस को कम करेंगे तो टैक्स बढ़ेगा ना, क्योंकि आगे जाके कम एडजस्ट होगा। आगे समझने एएलपी का पॉइंट, तो बीएबी में आप क्यों एएलपी अप्लाई करोगे। और दूसरा क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इस केस में डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जब होता है तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के अंदर एएलपी तभी एप्लीकेबल होता है जब ट्रांजेक्शन कितने से ज्यादा के हो, 20 करोड़ से ज्यादा के हो, ये एमसीक्यू में आ सकता है, 3 से 4 बार पूछा हुआ है फाइनल लेवल पे। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कब एएलपी अप्लाई करना है, 20 करोड़ से। नॉर्मली डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में एएलपी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो, क्यों। दो कंपनी इंडियन कंपनी है, अगर वो कम दाम में किसी को बेचेगी तो एट द सेम टाइम उसके बुक्स में कम एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा ना, अगर किसी का सेल कम हुआ तो किसी का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे जो टैक्स में घफला हुआ वो उधर क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा ना, इसका कम सेल किसी का और एक्सपेंस कम रिकॉर्ड। बट प्रॉब्लम दिक्कत कहाँ आती है, इधर रेट ज्यादा है उधर रेट क्या है कम, तो अभी क्या करे तुम, ये तो हो गया ना झोल झपटा हो गया, तो यहाँ पे टैक्स रेट कम था वहां पे टैक्स रेट ज्यादा था, तो यू विल ट्राई टू शिफ्ट योर प्रॉफिट फ्रॉम हायर टैक्स रेट टू दी लोअर टैक्स रेट, तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा ईएलपी। समझ में आ रहा है, आपको सेक्शन नहीं समझना है, आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो समझ लिया तो बाद में सेक्शन का जो प्रोविजन है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, सॉरी नंबर 6 पे है, उसमें लिखा हुआ है, थर्ड नहीं होगा आई थिंक, नहीं थर्ड ही है वो, सेकंड काम 6 पॉइंट पढ़ रहे, फिर कोई डाउट होता आप पूछना। Company should not claim the benefit of deduction under section which section 10AA 32A 32(1) additional depreciation की बात करें, 32AD investment allowance, 33AB मैंने बताया नहीं, ABAB नहीं बताया मैंने, 35 पूरा नहीं मिलेगा scientific research वाला पूरा, ठीक है, in-house research करे वो भी नहीं मिलेगा, deduction under section 35AD specified business वाला भी नहीं मिलेगा, 35CCC CCD मैंने बताया नहीं, ठीक है। ये सारे सेक्शन किसके हैं, पीजीबीपी के, सिर्फ एक को छोड़कर, ये वाला कौन सा 10AA, बेसिक्स खत्म होगा वैसा ही हमारा पीजीबीपी स्टार्ट होगा, पीजीबीपी बहुत लंबा है फाइनल का, 200 पेज तक चलता है, ठीक है ना। उसमें पीजीबीपी सीख लिया मतलब पूरा हम बोल सकते हैं असेसमेंट ऑफ कंपनी सीख लिया, ठीक है ना, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्या आते हैं, 16 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम के अंदर, इस बार भी पूछा था उन्होंने ऑनलाइन वाले ने। समझ में आ रहा है ना, वो लोग या तो मैट पूछेंगे या तो मैट को इग्नोर करने को बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे सेक्शंस किसके हैं, पीजीबीपी के। अभी क्या लिखा है इधर, अभी ये इंटरेस्टिंग लिखा है, आप बताना कि ये लाइन सही है या फिर ये लाइन का कोई मतलब नहीं। कंपनी कैन नॉट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस इज एट्रिब्यूटेड टू एनी डिडक्शन रेफर्ड अबव, मतलब अगर कोई लॉस इस सेक्शन की वजह से आता है, such loss shall be deemed to have been already given in full effect and no further deduction for such loss shall be, kya likha hua hai, allowed for any subsequent year. Matlab agar aap manufacturing company ho to agar aap section 35AD ka benefit lete ho to aisa to aap BAB mein aa hi nahi sakte ho, aaya na, to BAB mein maan lo aap aaye nahi, pehle saal aap BAB mein nahi aaye aur aap 35AD mein chale gaye, aapne 100% deduction le liya aur usme aapka kya aa gaya, loss aa gaya, क्या आ गया, लॉस। अभी नेक्स्ट ईयर आप कौन से सेक्शन में जा रहे हो, बीएबी में, तो वो लॉस आपका क्या हो जाएगा, लिखा है ना, क्या लिखा है, थर्ड लाइन पढ़ो, हैड ऑलरेडी बीन गिवन फुल इफेक्ट, मतलब वो लॉस आपका क्या हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि उसकी इफेक्ट दे दी गई है, मतलब वो लॉस अल्टीमेटली क्या होगा, लैप्स। बट मान लो आप पहले साल ही बीएबी में आ रहे हो तो 35AD का लॉस होने का कोई स्कोप ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि पहली बार ही तो आप स्टार्ट कर रहे हो, और सेक्शन में भी तो क्या लिखा है कि पहली बार जो नई कंपनी होगी वही इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये
फर्स्ट ईयर के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि इधर इन फर्स्ट ईयर यू विल मीन 35 AD और इन 115 BAB. तो इफ यू आर इन 35 AD देन 115 BAB तो आप ले नहीं रहे. नेक्स्ट ईयर भी आप 115 BAB के बारे में सोचोगे नहीं. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका लॉस होगा. अगर आप BAB में आना चाहोगे भी तो भी वो लॉस आपका क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों चीजें ध्यान रखें. अभी ये थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, ये हमने डिस्कस कर लिया. क्या लिखा इधर, और फिर कोई डाउट हो तो पूछो. समझ में आया क्या लिखा है? अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो ट्रांजेक्शन हुए वो ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट होना चाहिए उसमें प्रॉफिट में कम ज्यादा कुछ हुआ है, तो AO क्या कर सकते हैं? उस इनकम का वापस से कंप्यूटेशन कर सकता है और उसमें वो कौन सी प्रोविजन अप्लाई कर सकता है? ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग में एक और मेथड है कॉल्ड, मतलब मेथड मतलब एक अप्रोच है कॉल्ड ALP, ठीक है ना, वो हम अप्लाई करते हैं. क्लियर हो गया? नहीं, डीम टू फिट नहीं होता है, रिलेशनशिप होगा तो ही होगा. एक मिनट सुनिएगा. एक स्टूडेंट का आंसर ये है कि उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है उसका रीजन होना चाहिए. डीम टू फिट मतलब योर ओन मोशन पे नहीं होता है, यू हैव अ कंक्लूसिव एविडेंस के ट्रांजेक्शन में कुछ मैनिपुलेशंस हुए तो ही आप जा सकते हैं. AO के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है इनकम टैक्स के अंदर, काफी लिमिटेड पावर ही है, ठीक है. तो डीम टू फीट वाले वर्ड जो होंगे वो AO एक्सरसाइज नहीं कर सकता. नंबर फोर देखो क्या लिखा है. इफेक्टिव टैक्स रेट आपका कितना हो जाएगा? 17.16% इंक्लूसिव ऑफ क्या लिखा हुआ है? सरचार्ज एंड सेस. नंबर फाइव सरचार्ज कितना लगेगा? 10% लगेगा, फिक्स है. सच कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे क्या लिखा हुआ है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. तो आप चाहे 115 BAA में आओ या BAB में आओ, आपको मैट पे करना. देखो 115 BAA में आओगे तो जो क्रेडिट आपका पड़ा होगा वो लैप्स होगा. इधर तो क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं है ना. क्यों? क्योंकि आप पहली बार हाँ ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार जब डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी तो उसने वो 30% पे चला गया, बोले मुझे नहीं जाना 115 BAB में. फिर किसी ने कुछ समझाया होगा तब जाके 115 BAB में आया, तो फिर वो मैट क्रेडिट पड़ी होगी, वो क्या हो जाएगी? लैप्स. ये ध्यान रखिएगा. आ गया सबको समझ? कोई डाउट हो तो पूछो. ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो. लास्ट डेट आपके पास सेक्शन 115 BAB में जाने के लिए 31 मार्च 2023 है. 31 मार्च 2023 तक आप किस में जा सकते हो? BAB में जा सकते हो. आफ्टर दैट आप नहीं जा सकते. इट इज नॉट कंपल्सन ओवर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कि अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो आपको BAB में आना है. पहली बार नहीं आए तो बाद में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं. ओके okay? याद रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ अभी मैं एक और सेक्शन इसमें ऐड कर देता हूं, छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं. कौन सा वाला है? देखो कौन से हमने किए. सेक्शन 115 BAA किया, फिर BAB किया, BACB किया. अब ये BAC किसके लिए था? इंडिविजुअल के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. BAB अभी थोड़ी देर पहले हमने कंप्लीट किया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न्यूली सेटअप होना चाहिए. BAA किसके लिए? किसी भी कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, ठीक है. और कुछ कंडीशंस हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है. तो ये सारे सेक्शंस आपको याद रखने. मैं ऐड कर रहा था 115 BAA, तो BA के अंदर जो टैक्स रेट है वो उन्होंने कितना कर दिया है? 30% से कितना कर दिया है? 25%. बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, उसमें मैट लैप्स नहीं होगा, उसमें मैट एप्लीकेबल होगा. मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा 30 का कितना कर दिया? 25. बट उस केस में आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? कितने से कम होना चाहिए? 400 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है. ऑन और आफ्टर 1st of June को ये सेक्शन आया था, 1st of June 2016 के बाद. तो 400 करोड़ से कम टर्नओवर होगा तो 30% की जगह कितना टैक्स लगेगा?
आपको ऐसा है कि मुझे है ना 115 बी डबल ए में भी नहीं जाना, डीएबी में तो आपका कोई स्कोप ही नहीं है, तो आपने बोला मुझे बी डबल ए में नहीं जाना है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपका टर्नओवर कितने से कम है, 400 करोड़ से कम है, तो हम टैक्स रेट कितना कर देंगे आपके लिए, कितना कर देंगे 25, बाकी जो पुरानी कंडीशन है वो सारी एप्लीकेबल होगी, 35 AD का लॉस भी आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, 35 का भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, इवन मैट भी आपका क्या होगा, क्रेडिट भी क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, इट सिंपली के 30 की जगह कितना रिप्लेस होगा 25, बाकी की सारी कंडीशन जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। आपको समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है, बी ए में क्या डिफरेंस है, बी ए में रेट कितना है, वो अल्टरनेटिव स्कीम नहीं है, बी ए इज नॉट अल्टरनेटिव स्कीम, बी इज अ नॉर्मल स्कीम, बी ए वापस बोल रहा हूँ इज नॉट एन अल्टरनेटिव स्कीम, बी ए इज अ नॉर्मल स्कीम, बट इंस्टेड ऑफ 30% की जगह कितना टैक्स लगेगा 25, provided the turnover of the company is less than 400 crore during the previous year 16-17. ये याद है। बी डबल ए क्या है, नॉर्मल स्कीम है कि ऑल्टरनेटिव स्कीम, ऑल्टरनेटिव। बी ए बी क्या है, नॉर्मल नहीं है, क्या है, ऑल्टरनेटिव। अगर आपको उसमें जाना है तो फॉर दैट यू हैव टू सेटिस्फाई द फ्यू कंडीशंस, और बी ए बी के लिए तो आपको बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी, ठीक है। सो नीचे है इसका एक टेबल बना के दे रखा है कंपेरिजन पर्पज के लिए, ओके So, ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ कंपैरिजन सेक्शन 115 बी ए, बी ए बी डबल ए एंड देन बी ए बी ए, वो नीचे चला गया, ठीक है। इसके साथ डील करता है ये, बी ए किसके साथ डील करता है, मैंने क्या बताया आपको, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा का सीधा किसको लिखा है, टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है ना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए, 400 करोड़ से क्या होना चाहिए, कम, ये ध्यान रखना। 115 बी डबल ए किसके लिए काम करता है, टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक कंपनी होती है, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू डोमेस्टिक एंड क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग। व्हेन कंपनी मस्ट बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइंग फॉर अवेलिंग द बेनिफिट अंडर द सेक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन और आफ्टर 1st March 2016, यहाँ पे मैंने डेट में गलती की है, 1st June लिखा है शायद, हाँ ये 1st March है, ओके। उसके बाद 115 बी डबल ए में कहीं, सॉरी बी डबल ए में ऐसा कहीं था कि कब सेटअप होना चाहिए, बी डबल ए में तो 40 साल पुरानी कंपनी होगी तो भी उसको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है बेनिफिट अंडर सेक्शन इज अवेलेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑन विच द कंपनी वॉज सेटअप एंड रजिस्टर्ड। बी ए बी में कब सेटअप होना चाहिए, बी ए बी में कब सेटअप होना चाहिए, ऑन और आफ्टर 1st October 2019। टैक्स रेट कितना है दोस्तों, कितना टैक्स रेट है, 25, इधर कितना है 22 और इधर कितना है 15, फिर दे रखा है आपको रेट ऑफ सरचार्ज, तो सरचार्ज का रेट इधर कितना लगेगा, या तो 7% लगेगा या तो फिर कितना लगेगा 12%। मैंने आपको क्या बताया, 115 बी डबल सॉरी बी ए इज नथिंग बट द रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेक्शन, यहाँ पे कितना सरचार्ज है, यहाँ पे देख सकते हो 7% दिया, यहाँ पे 12% दिया, यहाँ पे सरचार्ज का रेट क्या है, फिक्स है, कौन सा सेक्शन में, ये मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा है बी ए सॉरी बी डबल ए, ये कौन सा है बी ए और कौन सा है बी ए, थोड़ा नंबर याद रखना पड़ेगा, बी ए फिर बी डबल ए किसका है, बी ए बी किसका है, एंड यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आपको दे रखा है, ये किसका है बी ए का, ये किसका है बी डबल ए का, और ये किसका है बी ए बी का, लास्ट में ये फाइल में आपको शेयर कर दूंगा एज यूजुअल। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 26%, अगर कितने से कम हुआ, 1 करोड़ से, सर 26 कैसे है, 1 करोड़ से कम होगा तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं ना, तो 25 + 4% करूंगा तो 1% ही होगा ना, तो हो गया ना 26, 25 + 4 तो 29% हो गया, अरे 25 का 4% एजुकेशन साइज किस पे लगता है, इनकम पे लगता है, टैक्स पे लगता है, समझ में आ गया ना, यहाँ पे 25.17 है, यहाँ पे 17 कितना है 16। अभी थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग, ये बी डबल बी ए, ये बी डबल ए एंड बी ए बी, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना, वेदर द कंडीशन रिगार्डिंग द न्यू अंडरटेकिंग नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और एग्जिस्टिंग बिजनेस एप्लीकेबल अंडर द सेक्शन,
बी डबल ए में है, बी ए में तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, बी ए में तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि 30 की जगह 25 ले लो, प्रोवाइडेड 400 करोड़ से कम और मैन्युफैक्चरिंग कम, तो उसमें तो कुछ रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं, उसमें तो ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि लॉस वगैरह सेट ऑफ होगा या नहीं होगा, मैट क्रेडिट का क्या करना है, उसमें वो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो यहाँ पे तो बात ही नहीं। बी डबल ए में था कहीं कि डीमर्जर नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्या बोला कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको हम 22 दे रहे हैं, तो डीमर्ज कंपनी होगी वो भी तो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी ना, तो उसको हमें 22 देने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो कि कोई कंपनी डीमर्ज हो चुकी है और नई कंपनी रिजल्टिंग कंपनी आएगी, तो गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी ना बोलेगा तो पुराना आदमी है, तुझे कितना पे करना पड़ेगा, 30, बोले तुम नए पुराने आदमी से 22 ले रहे हो, मैं ऐसे नया दिख रहा हूं पर हूं पुराना और आप मुझसे कितना ले रहे हो 30, ऐसा थोड़ी होता है, पुराना तो पुराना होता है ना, तो आपको कितना लेना है उससे भी 22 लेना, तो क्या लिखा है इधर, आप समझ रहे हो क्या लिखा है, नो, पर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यस, डीमर्जर रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिट नहीं चलेगा, एकदम फ्रेश पेटी पैक आना चाहिए, याद रहेगा ना, बिल्कुल ताजा वाला, क्लियर, याद रहेगा ना। Whether the stipulation regarding the non-use of second-hand plant and machinery is applicable under the section? एक ही section में था, कौन से section? 115 BAB. तो इधर देखो no, no, and यहाँ पे क्या लिखा हुआ? Yes. Whether the stipulation regarding the non-use of building earlier used as a hotel convention center is applicable? तो सिर्फ किस में था? BAB में. इसमें तो कुछ था ही नहीं. ये तो बिचारे यही हमने ऐसे ही बना रखा है इसका column BA का. बी ए बोले हम तो यूं ही बदनाम है, बी ए और ये क्या है, बी डबल ए और ये क्या है, बी ए, समझ में आ रहा है ना हम किस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर नॉट हियर टू डिसाइड द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 180 दिन से ज्यादा होगा 180 दिन से कम होगा तो नॉन रेसिडेंट, 7 साल में 730 दिन रहा होगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप तो यही सोच के आए होंगे सर बेसिक्स में क्या सिखाएंगे, यही तो सिखाएंगे, बट वो नहीं होता, इधर से पहले बेसिक से क्या होता है, सीधा रॉकेट लॉन्च हो जाता है, ओके यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जेम्पशन फ्रॉम मैट, क्या मैट में एग्जेम्पशन मिलेगा आपको, बीए बोले मैं तो ऐसे ही आ गया तुम्हारे लपेटे में, तो इधर तो क्या लिखा है देखो, कोई एग्जेम्पशन नहीं, मैट आपको क्या करना है, पे करना है, बट बी डबल ए में जाओगे तो एग्जेम्पशन हम आपको दे देंगे मैट में, क्लियर हो रहा है, तो ध्यान रहे। नंबर 10, व्हेन ऑप्शन फॉर बेनिफिट अंडर सेक्शन शुड बी, क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज, ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान रखना, उन्होंने जो चेंजेस किए और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो डिस्कशन किया, ठीक है, जो अमेंडमेंट है वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, थोड़ा ध्यान से सुनना, एग्जाम में आ सकता है ये पॉइंट, बी ए बी की मैंने जो बात की आपको, उसमें मैंने आपको क्या बताया, वो जो हमने वो पॉइंट पढ़ा ना कि वो जो लॉस आपका होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो लॉस लैप्स हो जाएगा, अगर वो 35 AD का या 35 का साइंटिफिक रिसर्च का लॉस हुआ, तो मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सेटअप कब हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना, जो अमेंडमेंट हुआ है वो 1 जनवरी 2020 को वो कंपनी सेटअप हुई, ठीक है, और कौन सी कंपनी है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, द वर्ड दे हैव यूज्ड द डोमेस्टिक नॉट द इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी है ऐसा उन्होंने लिखा है, तो अभी क्या वो सेक्शन 115 बीएबी के लिए एलिजिबल है, तो आंसर इज यस, वो एलिजिबल है, ठीक है, मतलब उनके पास ऑप्शन है कि वो कौन से सेक्शन में जा सकते हैं, 115 बीएबी, थोड़ा ध्यान से समझ, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये कौन सा ईयर है, ये 1 जनवरी 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई ना, मतलब ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा, ये हो गया प्रीवियस ईयर 19-20 हो गया, ठीक है ना, पर ये अलग ईयर से एप्लीकेबल था, इसको अपने कर देते हैं 2021, ईयर तो 2021 था, तो अभी उन्होंने क्या किया, बोले हमें 115 बीएबी में नहीं जाना है, हमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है, तो दे विल स्विच टू द विद सेक्शन, they will switch to the with section, section 115 BAA. मतलब they would have been the eligible for 115 BAB. The moment I say कि वो eligible है, means उन्होंने सारी conditions को क्या किया है, satisfy किया है. But अभी वो किस में जाना चाहते हैं? 115 BAA में वो लोग जाना चाहते हैं. ठीक है? उन्होंने गए, 22% tax pay किया.
कौन से ईयर में, 2021 के अंदर। अभी क्या हुआ बताए दोस्तों, वो 21-22 में अभी वो लोग किस में आना चाहते हैं, अभी वो लोग किस में आना चाहते हैं, बीएबी में आना चाहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला आ जाओ कोई बात नहीं, हम आपको 115 बीएबी में दे देंगे बेनिफिट। बट एफए 2021 में उन्होंने अमेंडमेंट किया, क्या अमेंडमेंट किया, अगर आप न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपको पहले साल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बीडब्ल्यूए में जाना है या बीएबी में जाना है। जहां पहली मतलब जिस तरफ आपने पहले रुख किया वो आपका डेस्टिनेशन होगा, फिर मुड़ के आप बीएबी में नहीं आ सकते। समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि आप आ सकते हो, क्योंकि वो पॉइंट वहां पे इस तरह से लिखा हुआ है। क्योंकि लॉस मेरे पास कब होगा, अगर मैं नया कंपनी होगा तो मेरे पास तो लॉस ही नहीं होगा ना यार, स्पेसिफाइड बिजनेस का। तो मेरे पास तो लॉस कब होगा, जब मैं पहले एक साल ऑपरेट करके आया हूं तब जाके लॉस होगा, तो सेकेंड ईयर लॉस मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। बट उन्होंने बोला देखो डिसाइड कर लो अभी, अभी क्या करना है, बीएबी में जाना है या बीडब्ल्यूए में जाना है। बोले बीडब्ल्यूए में जाना है। बोले बीएबी में नहीं आ सकते। बोले आप पहले तो जाने देते थे। बोले पहले जाने देते थे वो बात अलग है, अभी आपको जाने को नहीं मिले। अभी थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा। क्या लिखा है नंबर 10 में देखना, व्हेन द ऑप्शन फॉर बेनिफिट अंडर सेक्शन शुड बी एक्सरसाइज। मतलब मुझे ये ऑप्शन का बेनिफिट लेना है तो मुझे कब लेना है, तो क्या लिखा है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर फर्निशिंग द फर्स्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम विच द असेसर रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, ध्यान से ये वाला पढ़ना, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139। मतलब हुआ क्या, ये सेक्शन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि ये इसका बेनिफिट आपको कब लेना था, ये सेक्शन हमने जब बनाया ना उसके बाद जो आप कौन सा रिटर्न फाइल कर रहे थे, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेक्शन आया उसके बाद जो पहला रिटर्न आ रहा है ना उसी टाइम पे 115 बीए में जाना है या नहीं जाना वो डिसाइड कर लो। ठीक है, तो जो आ गए सो आ गए, जो नहीं आए वो अभी नहीं आ सकते, दरवाजे बंद हो चुके। इधर क्या लिखा है देखो, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर, क्या लिखा है, एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर आप बी डबल ए में जाना चाहते हो तो आप कभी भी जा सकते हो। समझ में आ रहा है ना, अगर मान लो बी डबल ए में ऐसा लिखा होता है कि जिस दिन हमने सेक्शन बनाया उसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट आईटीआर होता है उसी दिन डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। अगर आप नहीं डिसाइड करते हो तो हमेशा के लिए 115 बी डबल ए भूल जाना, ऐसा आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो यू आर डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द सेक्शन। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ, इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया, वर्ड क्या लिखा है, जब आपके पास आए मटेरियल तब अंडरलाइन कर लेना, क्या लिखा हुआ, किसी भी ईयर आप आ सकते हो। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग क्या है, अभी ये आप खुद पढ़ो ये वाला पार्ट पूरा। क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, कौन सा रिटर्न उन्होंने यूज किया, फर्स्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विच द असेसर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, एक्ट। तो आप जब पहली बार रिटर्न फाइल करोगे तो आपको कब ये ऑप्शन लेना है बीएबी का, जब पहली बार आप रिटर्न फाइल करते हो, याद रहेगा ये भी क्वेश्चन सीए फाइनल में 4 मार्क्स का पूछा। समझ में आ गया ना, देखो हम क्या करेंगे, हम जब भी सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है तो नॉर्मली अभी तक मैं जितने भी बैच मैंने ली है 8-9 साल में उसमें मैं ये करवाता हूँ कि सीए में फाइनल के 2 अटेम्प्ट के जो लास्ट पेपर होते हैं वो, और सीए फाइनल के 2 अटेम्प्ट के लास्ट पेपर के वो दोनों ही पेपर हमें कर लेने होते हैं। आपका एग्जाम जून में आएगा, लकीली उस टाइम पे मई 2022 की एग्जाम हो चुकी हो, सीए फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा सीए फाइनल का पेपर हम लेते हैं, उसके सजेस्टेड आंसर नहीं होते बट उसका हम क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ये हर बैच में होता है, आप कोई भी पास स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ जाता है, उसी में से आ जाता है, काइंड ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाता है उसी का हो जाता है। समझ में आ गया ना, और सीए में फाइनल का आप देख लो तो मेरे हिसाब से उसमें उससे ज्यादा और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ टफनेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 11 देखो, क्या लिखा है, वेदर द कंपनी कैन ऑप्ट टू क्लेम द एग्जम्पशन
थोड़ा टेबल मिसमैच हो गया है, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा. वेदर द कंपनी कैन ऑप्ट टू क्लेम द एग्जम्पशन एंड पे टैक्स एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड कैन ऑप्ट फॉर द कंसेशनल टैक्स रिजीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर टैक्स हॉलिडे और एग्जम्पशन. अभी ध्यान से समझना, टैक्स हॉलिडे मतलब क्या होता है पहले तो उसको समझ लो. कभी सुना होगा आप लोगों, सुना है कभी टैक्स हॉलिडे क्या होता है? सर सुना तो है, इसका इंटरप्रिटेशन ही होता है कि टैक्स छुट्टी पे गया है. ऐसा क्या, टैक्स हॉलिडे मतलब क्या होता है? एक सेक्शन हम करेंगे, किसी को पता है? बताना है तो अभी बता सकते हो आप, बताना है किसी को टैक्स हॉलिडे मतलब क्या होता है? सर्टेन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन मिलता होगा. सर्टेन नहीं, पूरा का पूरा रिलैक्सेशन. सेक्शन 80IA करके एक सेक्शन है. सेक्शन 80 मतलब आपको पता चल गया ना कौन से सेक्शन में आता है ये? 80C से कहां तक आएगा? तो सेक्शन 80IA के अंदर उन्होंने आपको टैक्स में हॉलिडे दे रखे इन केस ऑफ विच प्रोजेक्ट. कौन से प्रोजेक्ट में आप काम करते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हो, ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हो तो आपको टैक्स हॉलिडे मिलता है. मतलब क्या होता है, वो अलग अलग कंडीशंस है, अभी तो नहीं बता सकता मैं. तो मान लीजिए कि हम बात करते हैं, कौन है? L&T. ठीक है, L&T के तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंफ्रा प्रोजेक्ट ही हो, उसके नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट भी होते हैं. इंफ्रा प्रोजेक्ट मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नोटिफाइड हुआ, विच में बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट, एयरपोर्ट, एनीथिंग. तो ये मान लो L&T वाले ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिया हुआ है, तभी गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट L&T को कितने में दिया हुआ है? 1000 करोड़. और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है? टैक्स फ्री. इसका मतलब ये होता है कि इस प्रोजेक्ट में से L&T को क्या होगा, जो भी क्या होगा इस प्रोजेक्ट में से, ध्यान से सुनना, इस प्रोजेक्ट में से जो भी क्या होगा इनकम होगा उसमें हम 100% क्या दे देंगे आपको, 100% हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन. मतलब मान लो ये 1000 करोड़ का आपका रिसिप्ट है, उसमें से मान लो आपका खर्चा माइनस कर दो 400 करोड़, तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 100 करोड़. अगर मान लो हमने ये टैक्स ऑलरेडी आपको नहीं दिया होता तो अदरवाइज योर टैक्स लायबिलिटी वुड हैव बीन द 30%. इफ यू आर अज्यूमिंग L&T 30% आ रही है तो कितना होगा? 120 करोड़. तो अगर 120 करोड़ L&T को टैक्स पे करना होता तो L&T तो प्रोजेक्ट की प्राइस बढ़ा के कोट करता ना. तो वो बाद में वही बात हो गई ना कि टैक्स लिया इंफ्रा के लिए और बाद में इंफ्रा में क्या लगा दिया, टैक्स. तो गवर्नमेंट ने बोला इंफ्रा प्रोजेक्ट में हम टैक्स नहीं लगाएंगे. तो अभी इस केस में हुआ क्या दोस्तों, ये 120 करोड़ का उन्होंने पूरा का पूरा क्या दे दिया, मतलब ये 400 करोड़ माइनस कर दो तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टैक्स हॉलिडे. टैक्स हॉलिडे वो लोग प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, टैक्स हॉलिडे कोई एरिया भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे SEZ एरिया हो गया जहां पे 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हुआ तो वो टैक्स हॉलिडे हो गया. समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि ये L&T टैक्स हॉलिडे में आ रहा है, ठीक है, और उसका टर्नओवर भी ऐसे तो 400 करोड़ क्या 4000 करोड़ होगा उसका, 40000 करोड़ होगा, ठीक है. पर ऐसा हम मान लेते हैं कि उनका टर्नओवर कितना है, 400 करोड़ से कम है, और वो इंफ्रा प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं. कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग. मैंने इंफ्रा प्रोजेक्ट तो सिर्फ आपको टैक्स हॉलिडे समझाने के लिए दिया था, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में कहीं काम कर रहे हैं. अभी होगा क्या दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में वो लोग काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट उनका मैन्युफैक्चरिंग में से होगा वो किसमें आता है, उनका किसमें आता है, टैक्स हॉलिडे. मतलब उनको कोई टैक्स पे करना नहीं. अभी सरकार ने आके बोला कि अभी हमने एक नया सेक्शन लाया है, सेक्शन 115BA, उस जमाने में बोला होगा 2016 में कि अभी आपको 30% की जगह कितना टैक्स पे करना है, 25%. जिनको आना है वो आ जाए. कब तक आ जाए, कभी भी या अभी जो नेक्स्ट रिटर्न आएगा तब तक, नेक्स्ट रिटर्न तब तक आ जाओ. ये जो कंपनी है ये तो ऐसा बोल रहे हम तो कुछ पे ही नहीं करते, 30 तो छोड़ो हम तो क्या करते, कुछ भी पे नहीं करते. इसका मतलब क्या हुआ,
हमें तो कितना टैक्स लगता है, हम तो ऑलरेडी कहाँ बैठे हुए हैं टैक्स ऑलरेडी में, तो हमारे लिए तो टैक्स रेट कितना है, जीरो। तो ये ऑप्शन लेके मैं क्यों 25% पे करूँ, मैं तो ऑलरेडी कितना पे कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं कितना पे कर रहा हूँ, जीरो। आ रहा है समझ? तो अभी आप ऑलरेडी टैक्स हॉलीडे में हो तो आप इस ऑप्शन में आना पसंद नहीं करो। बट टैक्स हॉलीडे में भी दोस्तों क्या होता है, एक पीरियड होता है, 10 साल का पीरियड होता है या 15 साल का होता है। अभी आपके 10 साल खत्म होने का ये लास्ट ईयर है, समझ रहे हो ना मैं क्या कनेक्ट क्या कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर है। इसके बाद क्या होगा, सब रेगिस्तान होगा। उसके बाद आपको कितना पे करना है, 30%। तो अभी वाला जो रिटर्न जाएगा वो टैक्स हॉलीडे वाला जाएगा, जिसमें आपको इधर 115BA में जाना है या तो नॉर्मल में जाना है, या तो फिर आपको ऐसा नहीं मैं तो 0% पे करता हूँ, तो फिर नेक्स्ट ईयर से कितना देना पड़ेगा, 30%। तो अभी आपको किस में जाना चाहिए वो तो आप डिसाइड करेंगे ना कि किस में जाएंगे, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पहले तो टाइटल पढ़ो क्या लिखा है, वेदर द कंपनी कैन ऑप्ट टू क्लेम द एग्जम्पशन एंड पे टैक्स एट अ व्हिच रेट प्री अमेंडेड रेट एंड कैन ऑप्ट फॉर द कंसेशनल टैक्स रिजिम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, टैक्स हॉलीडे और क्या लिखा हुआ है, एग्जम्पशन पीरियड। तो पढ़ो इसमें क्या लिखा है, नो। क्यों नो? आपको डिसाइड कब करना था, टैक्स हॉलीडे में डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, 25 देना है या फिर जो चल रहा है वो चलने दो। आपने बोला जो चल रहा है वो चलने दो, तो बोले ये जो नया है ना वो नहीं फिर चलेगा आपके केस में, फिर आपको कौन सा वाला देना पड़ेगा, 30। सिंस द ऑप्शन टू अवेल द सेक्शन हैज टू बी, क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज कब तक एक्सरसाइज करना है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, फर्निशिंग द व्हिच रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम व्हिच द असेसर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। याद रहेगा, अभी ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी, अभी आ जाओ 115BA में। क्या लिखा है, BAA में कोई ज्यादा उन्होंने कुछ रखा हुआ, बोले आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आप 22% पे आ जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने टैक्स हॉलीडे आपका खत्म हो गया, एग्जम्पशन पीरियड आपका खत्म हो गया, अभी आप मान लो के टैक्स नहीं पे करते हो, बाद में आप फ्यूचर में आना चाहते हो, तो आप 22% देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट क्या BAA में ऐसा हो सकता है? आपने बोला कि पहले उसमें चक्कर लगा के आते देखते क्या होता है, फिर बाद में अगर नहीं पसंद आया तो किसमें आ जाएंगे, 15। तो इसमें क्या बोल दिया, नो। क्यों? क्योंकि BAB में, इन दोनों में BA एंड BAB, इन दोनों का बेनिफिट आपको कब लेना होता है, इन दोनों का बेनिफिट आपको कब तक अवेल करना होगा, जब आप अपना क्या करते हो, फर्स्ट ITR फाइल करते हो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस सेक्शन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है अभी हो तो पूछ लेना, 2 पॉइंट और बाकी है फिर हम खत्म करते हैं। क्या लिखा है, ये तो हमने दोनों डिस्कस कर लिया। अभी आपको ऐसा है कि आप BAA में हो बट आप BAB में जाना चाहते हो, तो क्या आप जा सकते हो? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कौन से सेक्शन में हो, आप BAA में हो पर आप किस में जाना चाहते हो, BAB में जाना चाहते हो, तो क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते ना, पहले ही तो बोला BAB, तो पहली बार बताना होता है क्या करना है। पर आप BAB में हो, ध्यान से समझिएगा, आप BAB में हो और आप किस में जाना चाहते हो, BAA में जाना चाहते हो, तो क्या आप जा सकते हो? यस, जा सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट बोले अगर मान लो हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया भी होगा ना तो भी हम हटा देंगे बस। यार क्यों हम ज्यादा 15 की जगह कितना दे रहा है वो, 22 दे रहा है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ले टैक्सी तो लेना है। आ गया समझ के? तो पढ़ लो उसको, क्या लिखा है, वेदर द एग्जिस्टिंग कंपनी कैन माइग्रेट फ्रॉम सेक्शन 115BA टू न्यू सेक्शन। यहाँ पे सिर्फ BA की बात चल रही है, इसलिए वो BAB से BAA नहीं लिखा है और BAA से BAB नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, BA से हम किस में जाना चाहते हैं, ये तो पहले ही ऑलरेडी BA में है, ये क्या है, BAA। तो क्या BA से BAA में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते। क्या BA से BAB में जा सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि BA और BAB आपको पहले रिटर्न नहीं बताना होता है। क्या होगा अगर हमारे पास मेट क्रेडिट होगी तो, इसमें तो आप कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड, इन दोनों में भूल जाना क्या आपकी कोई मेट क्रेडिट क्या होगी, लेफ्ट मतलब यूटिलाइज आप कर पाओ, इनफैक्ट इसमें तो मेट क्रेडिट होगी ही नहीं, इसमें तो होगी नहीं ना, क्योंकि ये तो पहली बार ही तो लेना है आपको अडॉप्ट करना, तो इसमें तो मैट क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर देता हूँ,
क्या नॉट एप्लीकेबल? बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो। टैक्स रेट के अंदर क्या रेट है पता चल गया सबको, कब कौन सा रेट लेना है। चैप्टर 12 को पकड़ना है, चैप्टर 12 के अंदर नॉर्मल रेट में कंपनी को पकड़ना है, कंपनी के अंदर देखना है कि कंपनी कौन से सेक्शंस के अंदर जा सकती है। नॉर्मल 30% है, फॉरेन कंपनी में कोई बेनिफिट नहीं है, 40 या तो सीधा 50। डोमेस्टिक कंपनी है वो 22% में जा सकती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 15% में जा सकती है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। बी ए बी में ज्यादा कंडीशन है, बी डबल ए में इतनी कंडीशन नहीं है। क्लियर हुआ? स्विच आप इजीली नहीं कर सकते हो। हाँ, बी डबल ए में जाना बहुत ईजी है, बट बी ए बी और बी ए में तो आप नहीं आ सकते, वो तो आपको पहली बार में ही बताना होता है कि आपको बी ए ए में जाना है या बी ए बी में जाना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? यहाँ पे टैक्स रेट्स होते हैं कंपनी के, क्या खत्म। सर हम वैसे ही 25 से 15 की ओर ट्रैवल करते हैं, वैसे 15 में कंडीशंस ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है क्योंकि रेवेन्यू का कट है, वो रीजन। ऐसा रीजन हो सकता है, नॉर्मली क्या होता है रेट जितना कम रखेंगे रिस्ट्रिक्शंस उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज द रीजन। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हमेशा रेवेन्यू को ध्यान में नहीं रखते। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को किसका शॉर्टेज होता है, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इनिशियली कैश क्रंच होता है, तो दे आर नॉट हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ कैश टू ऑपरेट द इवन वर्किंग कैपिटल। सो इन दैट केस उन्होंने बोला कि जितना हम टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, जितना हम टैक्स को कर्टेल कर सकते हैं, उतना हम आपके लिए कर सकते हैं, मिनिमम हम 15% रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो मान लो ऐसे, अदरवाइज हम 22 लेते या 30 लेते, मान लो 30 भी लेते तो भी 15% का तो आपका क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है ना सीधा सीधा, ठीक है ना। इसलिए वो एंगल भी है। दूसरा एंगल रेवेन्यू का भी होता है कि कोई अनवांटेड पर्सन और इनएलिजिबल पर्सन एलिजिबल बन के इस सेक्शन का डिडक्शन ना लेते। तो हमारा ये पर्पज है कि ये जो सेक्शन का बेनिफिट है वो एक ट्रू पर्सन को मिले, ट्रू मतलब जो सही में उसके लिए क्या है, एलिजिबल। इसलिए तो उसमें डीमर्जर का ना बोला, स्प्लिटिंग अप का ना बोला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस का ना बोला ना, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी क्या है, एस्टैब्लिश प्लेयर है ना। हम तो ये ऐसा भी तो हो गया ना कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं भूल गया सेक्शन स्टार्ट करने के टाइम, ये स्टार्टअप के लिए भी तो हो गया ना। बी ए बी इज फॉर द ऑल्सो फॉर द स्टार्टअप कंपनीज। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आपने ये केबीसी खत्म हुआ, उसके बाद अभी एक नया शो स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्टअप के लिए करिए, शार्किट के। मैंने कल पहली बार उसका देखा था, वो कुछ पुणे का कोई खीर वाला था ना, वो आया था अब फंडिंग के लिए। आप देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उनकी आर्ग्यूमेंट भी बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट होती है, ठीक है, कि अगर आप पुणे से लोकेट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, और वो सब कुछ कुछ बातें हुई थी उसके अंदर, ठीक है ना। शार्क टैंक इंडिया अच्छा है, सब लोग देखते हैं, अपने को चालू करना चाहिए थिंक टैंक इंडिया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ऑलरेडी होगा ही, वो थिंक टैंक भी होता ही है, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर थिंक टैंक तो होता ही है। ये कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो लगाओ, दिमाग वाले लोगों को बुलाओ। कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं ये बोल गया। कोई डाउट? मतलब क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आया कौन से सेक्शन में। 115BA तो अभी बहुत पुरानी बात होगी, तो जिस ईयर में आया होगा उस ईयर में जब पहली बार आप जो रिटर्न फाइल करने जाते हो उस टाइम पे वो ऑप्शन आपको करना है। फिर अगर आपने वो ऑप्शन एक बार ले लिया तो फिर आपको उसी ऑप्शन में रहना पड़ेगा। हाँ, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली टैक्स रेट लगेगा, वो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा, या तो फिर जो ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट करोगे उसमें जो इनकम होगी उस पर आपको टैक्स कौन सा लेना है, 25%, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो मेन क्रक्स है कि माइनर से मेजर तक जाता है तो अपने को बेनिफिट कम मिलते हैं, वैसे भी इसमें आगे रहेगा कि जैसे टैक्स रेट्स कम जाते रहेंगे या फिर ऐसा कि कोई रिलैक्सेशन मिलता रहेगा तो कंडीशंस वो सब भी आता रहेगा। देखो, नॉर्मली टैक्स तो माइनर से मेजर ही जाता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या क्या हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है। सो आप ऐसा सोच रहे हो कि नॉर्मली अगर मैं कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कम करूंगा तो उसका बर्डन पब्लिक पे कम आएगा, वो वाली बात नहीं। यहाँ पे बर्डन सिर्फ एक ही जने पे कम करने के लिए है कि हमने कंपनी पे टैक्स का बर्डन क्या कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि अगर कंपनी, अगर मान लो कि
उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब कैश होगा तो वो बिजनेस में लगा पाएंगे, नए लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, उस ऑब्जेक्टिव से टैक्स रेट कम किया होता है। बिकॉज डायरेक्ट टैक्स कम करने से प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम हो जाती है, उससे कोई लेना देना होता नहीं, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स आप कम करते हो तो वो कहाँ पे इम्पैक्ट होती है उसकी, ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट होगी। डायरेक्ट टैक्स कम करने से इतने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं होती। ओके, सो वी आर ट्रैप इन टू द इकोनॉमिक्स, कि वो वाला पार्ट इकोनॉमिक्स का हो गया कि अगर मैं टैक्स कम करूंगा तो उसकी इम्पैक्ट कंज्यूमर पे क्या आएगी। डायरेक्ट टैक्स कम करने से कंज्यूमर पे इम्पैक्ट नहीं आती, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स हैविंग अ पर्सनल नेचर, पर्सनल हो गया ना। आप इनकम करोगे तो टैक्स देना है, पैसा होगा तो गवर्नमेंट थप्पड़ मारेगी आपको टैक्स के फॉर्म में। इनडायरेक्ट में तो क्या होगा, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो बोले पसंद आता है तो खाओ नहीं तो घर जाओ। जीएसटी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। सो वो ध्यान रखना। अभी और कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों तो पूछ लो, एनी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर बीए से नॉर्मल में जा सकते, नॉर्मल मतलब ऐसा वो बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, 25 से आपको किस में जाना है, 30 में ऐसा। देखो क्वेश्चन बहुत वैलिड है, बनता है ना क्वेश्चन, मैंने बोला जो भी बन में आया पूछो। बट दोस्तों 30 से 25 में आया तो आप हो कहाँ, ऑलरेडी कहाँ पे हो, तो नॉर्मल से नॉर्मल क्यों जाना है, यू आर ऑलरेडी इन नॉर्मल, समझ में आ गया ना। और दूसरा क्या है, 25 से 30 क्यों जाओगे भाई, 5% कौन बढ़ाएगा, क्लियर हो गया। क्योंकि बीए में कोई रिस्ट्रिक्शन देखा आपने, कहीं था रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन कहाँ था, बोले मैट नहीं देंगे, बोले ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ऐसा तो कुछ टाइम, ठीक है ना। तो बीए से आप नॉर्मल बिल्कुल जा सकते हो। बी देखो यहाँ पे देखो, बीए से आप कहाँ जा सकते हो, बीए से आप सिर्फ कहाँ जा सकते हो, बी डबल ए में जा सकते हो, बीए बी में तो जा ही नहीं सकते हो। वापिस नॉर्मल में 30% में जाना है तो गवर्नमेंट बोले मोस्ट वेलकम, कोई हमें दिक्कत है, हमने तो कहा सेक्शन तो कुछ लिखा ही नहीं, आना है तो आ जाओ, आप 25 की जगह 30 दोगे तो बस आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ कुछ चंद लोग और मिल जाए तो देश की तरक्की हो जाए। आ गया समझ में। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने टैक्स रेट आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, 10,000 रुपए तक 10% टैक्स है, 10,000 से कितना, 20,000, 20% अबाउट 20,000 होगा तो 30%। आपको लग रहा होगा कि ये टैक्स रेट इतना कम क्यों है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। तो अगर मैं स्लैब को सीधा 2.5 पे रख देता तो 90% कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स से बाहर निकल जाती। समझ में आ रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या प्रॉफिट कमाने का होता है, कि टू सर्व द मेंबर्स। सरचार्ज कितना परसेंट है, 12% अगर आपकी इनकम किससे ज्यादा होती है, 1 करोड़ से, क्लियर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स कितना है, 4%, वो तो सब में फिक्स है, 4% तो आएगा 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 ही, चाहे किधर भी चले जाओ तुम। समझ में आ गया ना। उसके बाद लोकल अथॉरिटी की उन्होंने बात की है, ऐसे द म्युनिसिपल बॉडी, नगर पालिका, ठीक है ना, दे आर द एग्जेम्प्टेड अथॉरिटीज। Most of the income earned by those authorities are exempt under the Income Tax Act, provided they are discharging the constitutional duties. However, if the municipal authority is providing the like properties on rent, or they are selling the property or something like that, so in that case, जो भी उनकी income होगी, उसपे क्या pay करना पड़ेगा tax. जैसे मान लो rental income है, जैसे अहमदाबाद है तो ये river front है, ठीक है, तो आपने देखा ही होगा waiting चलता है उधर, ठीक है, तो रेंट पे दे दिया, रेंट भी बहुत तगड़ा रेंट होता है, तभी ये तो ये सारा पैसा जाता है किसके पास, एएमसी के पास आता है। तो यहाँ पे एएमसी पब्लिक की सेवा कर रहा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हो गई ये, तो समझ में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है नहीं, ऊपर से लुक्रेटिव सोर्स हो गया उनके लिए, तो बोले लाओ पैसा लाओ, तुम ले रहे हो तो हम क्यों ले रहे, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसे देखने का इनकम टैक्स एक्ट बड़ा भाई है, म्युनिसिपल क्या है छोटा भाई, तो छोटा भाई से क्या मांगना पड़ेगा, लाओ बड़े भाई का हफ्ता निकालो, कितना कितना देना पड़ेगा क्यों सर, वो लोकल बॉडी को 1.5 BEE नहीं मिले, नहीं मिलेगा ना, वो तो सिर्फ कंपनी को मिलता है, वो तो किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है। तो वो लोकल अथॉरिटी कंपनी है क्या, कहाँ से कंपनी हुई, कोई एंगल से कंपनी, याद रहेगा। तो उनकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर क्या लगाएंगे,
इनकम मतलब 30% टैक्स लगा देंगे, प्रोवाइडेड वो कौन से नेचर की हो, टैक्सेबल नेचर। सरचार्ज कितना लगेगा, 12% सरचार्ज लगेगा अगर इनकम कितने से ज्यादा हुआ, 1 करोड़। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से एक भी बार लोकल अथॉरिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं, पर सिर्फ आपको क्या याद रखना है, टैक्स रेट याद रखना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा दोस्तों, 4% फिक्स है, सब में लगता है, इसमें भी लगता है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो आपको लगेगा सर ये तो हम पढ़ के आए थोड़ी देर पहले, पढ़ के मतलब आपने बताया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, पर दोस्तों दो अलग अलग है, मैट एंड ये क्या है, EMT। मैट किसके लिए होता है, अभी से याद रख लेना, मैट किसके लिए होता है, कॉर्पोरेट। EMT तो मे बी आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा, वो किसके लिए होता है, नॉन कॉर्पोरेट। मैट जो दे रखा है वो आपको कौन से सेक्शन में दे रखा है, 115JB। फाइनल का 60% सिलेबस सेक्शन 115, कौन सा सेक्शन 115। चाके भी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे किससे, 115। समझ में आ गया, 115 का पूरा क्या रखना है आपको, याद रखना है, समझ में आया। 60% इन टर्म्स ऑफ जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 60% किसमें से होते हैं, ये 115 ए से शुरुआत होती है, समझ में आ रहा है, और वो चलता रहता है जे बी तक, जे सी तक भी चलता है, तो ध्यान रखना। ये AMT किसका है, ये AMT किसका है, 115JC। क्लियर हो गया सबको। ऐसे तो हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना था कॉल्ड विच रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, बट कंसिडरिंग द टाइम वो हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, सो विल स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग। लेकिन कुछ और टैक्स रेट्स है जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 115BAC वाला मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल वाला उसको डिस्कस कर लेते, वो आपको दे रखा है पेज नंबर 18 पे, ये रहा, ये फाइल मैं पूरी शेयर कर दूंगा आपके, तो जब आपके पास मटेरियल आ जाएगा तब आप इसको नोट डाउन कर लेना। सेक्शन कौन सा है, 115BAC, ये भी कौन सा स्कीम है दोस्तों, कौन सा स्कीम है, ऑल्टरनेटिव। मतलब हुआ क्या है, ऑल्टरनेटिव स्कीम से मैंने जैसा बताया आपका काम बढ़ गया है, ये भी ऑल्टरनेटिव काम बढ़ गया आपका। उन्होंने ये ऑल्टरनेटिव स्कीम स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए बनाई है, इंडिविजुअल के लिए, किन लोगों के लिए बनाई है, इंडिविजुअल के लिए बनाई है। तो अगर इंडिविजुअल सेक्शन 115BAC का बेनिफिट लेना चाहता है तो कुछ सेक्शन है जिसका बेनिफिट नहीं ले सकते, मैं वन बाय वन लिख देता हूं, कुछ मे बी छूट जाएंगे बट वो जब आएगा तब हम कवर करेंगे, बट जो मेनली आपको याद है वो ध्यान रखना, नो बेनिफिट, किसका किसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप 115BAC में जाते हो। सर मैं जब भी मैं सेक्शन बोलता हूं तो ध्यान रखो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, बीएसी में किसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल। तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, कौन सा वाला, अंडर सेक्शन 16 जिसमें आपको कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 50,000, ठीक है ना, वो मिलना बंद। तो अगर आपने लिया होगा तो आपको इनकम में ऐड करना है। दूसरा, आपने सुना होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। याद करो जब बचपन में हम पढ़ते थे 2,00,000 रुपए तक का हमें क्या मिलता था, डिडक्शन मिलता था ना, तो उसका डिडक्शन मिलना बंद। ये 2,00,000 रुपए एक्चुअल में लॉस होता है, इट इज ओनली नोशनल लॉस, नोशनल लॉस। गवर्नमेंट बोले जहां जहां हमने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया वो एक्स्ट्रा अभी आप भूल जाओ, 50,000 रुपए आपका एक्चुअल इनकम, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है कि नोशनल ऐसे ही दे दिया, फिक्स ऐसे ही दे दिया ना। नंबर 3, आपने सैलरी में पढ़ा होगा LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, उसका हम आपको बेनिफिट देना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर नंबर 4, आपको अगर आपने PGBP के कुछ स्पेशल डिडक्शंस लिए होंगे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, लाइक वो साइंटिफिक रिसर्च वाला, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, वो नहीं मिलेगा। मतलब कौन सा सेक्शन 35, फिर कौन सा वाला 35AD। नंबर 5, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर कौन सा वाला, 6A। तो 6A का हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है ना, तो 6A का हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। डिडक्शन में ATC से ATU का आपको डिडक्शन नहीं मिलता, एक्सेप्ट 2 सेक्शन है उसका मिलता है, एक नया सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2021 में ऐड हुआ है, तो जो लोगों ने दिसंबर 2021 में एग्जाम दिया होगा
उनको ये पता नहीं होगा तो ध्यान रखना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सा सेक्शन, सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और किसका मिलेगा, सेक्शन 80 डबल जे डबल ए, ये डबल ए डबल ए किसका है, वो न्यू वर्कमैन अपने यहाँ पे रखते हैं ना, तो उनका जो सैलरी हम पे करते हैं उसका 30% हमें एक्स्ट्रा मिलता है। सर ये 80 सीसीडी 2 क्या है, अभी तक तो सर सेक्शन आते थे, अभी तो सबसेक्शन भी आ रहे हैं। 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ध्यान से समझना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 2 क्या होता है, एनपीएस, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। किसका कंट्रीब्यूशन है ये उन्होंने क्या किया है, क्या किया दोस्तों, न्यूली इंसर्ट। तो ये एग्जाम में अगर मान लो इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है तो 110% ये इसका एडजस्टमेंट होगा 80 सीसीडी 2 का। तो 80 सीसीडी 2 नॉर्मल में भी मिलता है और अगर आप कौन सी स्कीम में जाते हो, ऑल्टरनेटिव में जाते हो तो भी मिलता है। तो अगर मान लो कि आपको कोई इनकम दे रखी है तो इन दोनों के कोई एडजस्टमेंट नहीं करने, इन सबके आपको क्या करने है, एडजस्टमेंट्स करने। क्वेश्चंस हैं सारे, जब बाद में आएगा तब देखेंगे, अभी समझ में आ गया ना बीएससी में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एज पर 115 बीएससी इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ हैव ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम अदर देन द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट अ स्पेशल रेट अंडर चैप्टर 12 लाइक अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मैंने आपको क्या बताया, ऑल्टरनेटिव स्कीम किसको रिप्लेस करती है, पूरे चैप्टर 12 को रिप्लेस करती है कि चैप्टर 12 में नॉर्मल रेट को, बताया था फर्स्ट लेक्चर में दो टाइप के टैक्स रेट होते हैं, एक नॉर्मल होता है दूसरा क्या होता है स्पेशल। तो वो किसको रिप्लेस करता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल। As following concessional rate, if they do not avail the a certain exemption and deduction like LTC, standard deduction under the head salary, interest on housing loan, मतलब self-occupied property, deduction under chapter 6A, फिर क्या क्या लिखा हुआ है, 80 CCD 2 and क्या लिखा हुआ है, double J, double J, इसका आपको ध्यान रखना। ये दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। अभी नीचे आपको स्लैब दिया हुआ है, ये स्लैब कैसे याद रखना, 2.5 लाख तक तो हाउसहोल्ड एक्सपेंस, 2.5 लाख तक वो लोग टैक्स लगाते नहीं, ठीक है ना, डोमेस्टिक एक्सपेंस, पर्सनल एज वेल एज हाउसहोल्ड। देन एवरी 2.5 लाख दे हैव इंक्रीज 0% टू 5%, देन 10, देन 15, 20, 25 एंड कितना है 30। मींस क्या होगा, कैसे याद रखोगे, 2.5 लाख तक नहीं है, देन अप टू 15 लाख तक, कहां तक, कहां तक दोस्तों, अप टू 15 लाख ऑन ईच 2.5 लाख 5% आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, अगर शॉर्ट में याद रखना है, बाकी स्लैब अगर याद रखना है तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे याद, देखो 2.5 लाख है तो वहां तक तो 0 है, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 10, ठीक है, 7.5 से 10, 15, 10 से 12.5 कितना 20, 12.5 से 15, 25 और 15 से ऊपर तो कितना लगना है 30%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम, आई वुड नॉट कंसिडर एज ए इम्पोर्टेंट सेक्शन, बट अगर मान लो एग्जाम में आता है तो वो लोग क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछना चाहिए, एबी सीसीडी 2 का एडजस्टमेंट उसमें उन्होंने दे रखा होगा, आप क्या करके आ जाओगे, एड करके आ जाओगे जो आपको करना, पहले तो गिनना आना चाहिए एबी सीसीडी 2 में मिलेगा कितना डिडक्शन मिलेगा कितना, वो पहले गिनना आना चाहिए, फिर क्या करना है, ऐड करना है। आ गया समझ, सेक्शन का माया जाल है, समझ में आ गया, जितना आप सेक्शन को याद रखोगे उतना ही सब्जेक्ट आपके लिए क्या होगा, इजी रहेगा। ओके, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज हम यही सेशन को खत्म करते हैं। सर यहाँ पे अगर मान लो एक पॉइंट मेरा डिस्कस करना रह गया, यहाँ पे अगर मान लो, यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन होगा तो और सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लाख और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 लाख, याद रहेगा, बस इतना है। कोई डाउट हो तो पूछिए दोस्तों, सर अभी तो थोड़ा सेटल होने दो, दिमाग को उसको अपनी जगह पे आने दो, फिर अगर कोई डाउट आएगा तो कल सुबह मुलाकात होगी तब पूछेंगे। बोले कोई डाउट है,
कोई डाउट, एनी डाउट, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। ऐसा उन्होंने कहीं सेक्शन में नहीं बताया, उन्होंने बोला कि उस ईयर में अगर 400 करोड़ से कम टर्नओवर हुआ तो यू आर एलिजिबल फॉर 25%। तो इवन इफ अगर मान लो 400 करोड़ से टर्नओवर आपका कम था एंड इन फ्यूचर इट इंक्रीज टू मोर देन 400 करोड़, तो आपको 25% का ही बेनिफिट मिलेगा, फिर 30% हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना, और कोई डाउट? एनी अदर डाउट्स? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा घर पे जाके, ये मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जहां पे आपको लगता है क्रक्स बनाने हैं तो टैक्स रेट की क्या बना देना, क्रक्स, ठीक है ना। टेक केयर एवरीवन एंड गुड नाइट।